अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू जंजानी टीवी मैं हूं सैयद अली जंजानी हमारा जो ये पूरा वीकली प्रोग्राम है आपको इलम है कि ये हफ़्ता स्टार्ट होने जा रहा है 10 तारीख को तो और ये 10 से लेकर चलेगा 16 मई तक 10 से 16 तक बेसिकली वो अयाम है जिसमें हमारे पास शब कदर की आखिरी ताक रातें होंगी और इसके साथ साथ चांद रात और फिर ईदलफितर का मुबारक दिन ईदलफितर का मुबारक दिन इंशाल्लाह जानी जंतरी के मुताबिक देखा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली जो ईद बनती है वो चौदह तरीक की ही बनती है तो एडवांस में मेरी जानब से मेरी पूरी टीम की जानब से आप सभी लोगों को आपकी पूरी फैमिली को आपके दोस्त अहबाब को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों लेकिन जहाँ पर ईद की खुशियाँ हैं वहीं पर एक चीज़ आप लोगों ने जहन नशी ये भी रखनी है कि जो लॉकडाउन लगाया गया है जो कि ये पूरा हफ़्ता लॉकडाउन ही रहेगा बहुत सारे कारोबारी मराकज़ जो हैं जो कि मेजर कारोबारी मराकज़ हैं बंद होंगे तो आप लोग घर में हैं अपना ख्याल रखें अपनी फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें और इसके साथ साथ आपके ऐसे तमाम मामलों जो कि आपकी फैमिली से काम की वजह से नहीं हो पाते फैमिली के साथ आपके वक्त स्पेंड नहीं हो पाता तो कोशिश करें आप लोग ऐसे मशागल में मसरूफ़ रहें जहाँ पर आपकी फैमिली एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हों और इसके साथ साथ कुछ अपनी सेहत का ख़्याल रखने के अलावा आप लोगों ने प्रोडक्टिव काम लाजमी तौर के ऊपर अपनी ज़िंदगी में शामिल रखने हैं पूरे ही वीक में क्योंकि ये पूरा ही हफ्ता एक ऐसा है कि जब आप लोग काम की मसरूफ़ीत से घर वालों को ज़्यादा वक्त दे रहे हैं तो जहाँ पे घर में बहुत ज़्यादा वक्त आपका स्पेंड हो रहा है वहीं पर कोई ऐसा मशिला कोई ऐसा आप लोगों की प्रोडक्टिविटी का काम जो कि चाहे पढ़ाई से हो चाहे वो किसी अच्छी किताब का मताला हो चाहे वो आपकी इबादत के हवाले से हो चाहे किसी रूहानी छोटी सी घर में महफ़िल के हवाले से हो कोई ना कोई एक प्रोडक्टिविटी का, का काम आपने ज़रूर हाल रखना है और कोशिश करें कि जहाँ पे ये पूरा एक हफ़्ता आप लोगों को मिल रहा है जहाँ पे आप लोग काम नहीं कर रहे घर में हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ हैं वहीं पे आपके पास बहुत सारा वक्त होगा कि आप लोग अपने फ्यूचर को प्लान आउट करें फ्यूचर को प्लान आउट करने के साथ साथ पाक जो कि क्यामत तक के लिए हमारे लिए सरचमा हदायत है आप लोग उसको अपनी उस जुबान में ज़रूर एक दफ़ा तर्जुमे के साथ पढ़ें हो सके तो एक से ज़्यादा दफ़ा पढ़ें क्योंकि कई दफ़ा एक दफ़ा पढ़ने से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती जब आप दो तीन चार मरतबा पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे राजों से पर्दा उठना शुरू हो जाता है जो शायद आप लोगों को पहले इल्म नहीं होता तो आप लोगों के पास जो इतना फ़रागत वाला टाइम है और रमज़ान की मुबारक घड़ियाँ भी हैं तो आप लोगों को चाहिए कि कुरने पाक को कम से कम इस पूरे एक हफ़्ते में आप लोग एक दफ़ा तो तर्जुमे के साथ ज़रूर ख़त्म करें और इसके साथ साथ जहाँ पर तर्जुमे के साथ इसको समझ के आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं वहीं पर अगर आपके पास मज़ीद वक्त हो तो फिर उसकी तशरी और हर सूरा का हर आयत का पस मंज़र उसके तरीखी बात उस वक्त के हालात जिसको भी लाजमी तौर के पर समझने की कोशिश करें ताकि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिवटी आ सके आप लोगों की अमली तौर के ऊपर जितने भी फ़राइज़ हैं उसको आप लोग बड़ी बेहतर अंदाज़ में परफॉर्म कर सकें और कुरान के अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर सकें तो ये सारी चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरी होंगी बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जिनकी प्लानटरी पोजिशन इतनी पॉजिटिव नहीं हैं तो डिप्रेशन से अपने आप को महफूज रखने के लिए बचाने के लिए आप लोगों को एक तो ये रूहानी तौर के भर कुरानी रेमेडी करने की ज़रूरत है और इसके साथ साथ इन शाला हम लोग जब हर्ट जॉडिकसाइन का तस्करा करेंगे कि हर्ट जॉडिक साइन के आप लोगों की पेनटरी पोजिशन कैसी रहने जा रही हैं तो वहाँ पर जो जो मजीदी एहतियाती तदाबीर आती चली वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा जो कि सदक़े के साथ भी बताऊंगा कि आप कौन सा सदका दे सकते हैं ताकि आप लोग महफूज रह सकें और अपनी इस पूरे हफ्ते को खुशगवार बना सकें ईद की खुशियों के साथ रमज़ान की बरकतों के साथ और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भरपूर वक्त गुजारते हुए आपको हकीकी मायने में जो ज़िंदगी का एक हकीकी मतलब होता है ज़िंदगी गुजारने का जो अल्लाह ने आपको रिश्ते अदा किए हैं अब अब जो नेमतें अदा की हैं उन नेमतों का शुक्र करने का आपको ये वक्त मिला है तो आप लोग घर में रहते हुए अपने आप को महफूज रखें अपनी फैमिली मेम्बर्स को महफूज रखें और फैमिली मेम्बर्स के लिए जहाँ पर आप मेहनत करते हैं ये हफ़्ता आप लोगों ने उनके साथ गुजारना है भरपूर ख़ुशियों के साथ और इस नियमत का भी शुक्र अदा करना है आपके पास अल्लाह ताली की जितनी भी नियमतें तो आइए बढ़ते हैं ईद की खुशियों के साथ हम लोग देखते हैं कि ये पूरा हफ़्ता हमारे लिए कैसा रहने जा रहा है पहले है। ज हमल वालों का बेसिकली जो पूरा हफ्ता है आप लोगों ये पूरा हफ्ता बहुत ज्यादा आला जरफी के साथ गुजरता हुआ नजर आता है जहाँ पे आला जरफी नज़र आ रही है वहीं पे बेसिकली आप लोगों के मिजाज में काफ़ी हद तक मिसबत पहलू भी उजागर हैं क्या आपके मिजाज में पॉजिटिविटी होने की वजह से आला ज़रफ़ी होने की वजह से आप लोग अपना ये पूरा हफ्ता बड़ी खूबसूरती के साथ गुजारते हुए नज़र आएंगे आप लोग ऐसे तमाम कामों में अपनी शमूलियत को बहाल और बरकरार रखते हुए नज़र आते हैं जो शायद अब से पहले आप लोग नहीं कर पा रहे थे ऐसे काम चूँकि इग्नोर थे जो कि बहुत ज़्यादा अमल होने की वजह से आप लोग ऐसे कामों को नहीं अंजाम दे रहे थे तो ये हफ़्ता काफ़ी हद तक का आप लोगों का खुशगवार गुजरेगा लेकिन इसके साथ साथ जहाँ पे आला ज़रफ़ी नज़र आ रही है वहीं पे दूसरों की मदद करने का भी जज्बा बहुत ज़्यादा निकला हुआ नज़र आता है आप लोग अपने इस पूरे हफ़्ते को दूसरों की मदद करने के ऊपर सर्फ करते हुए नज़र आएंगे चाहे वो आपके फैमिली मेबर्स हों चाहे आपके अजीज वकारीब दोस्त रिश्तेदार या जिनके साथ आप मिल के काम करते हैं ऐसे तमाम लोग हों तो आप लोग ये पूरा हफ़्ता बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ सिलार रहमी करते हुए नज़र आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों की इस पूरे हफ्ते में रहेगी वो है आप लोगों की तख्लीकी सोच आप लोगों की तख्लीकी सोच मैारी करदार और ये पूरा ही इतना ख़ूबसूरत है कि आप लोग अपनी आने वाली ज़िंदगी को प्लान आउट करते हुए नज़र आते हैं सिर्फ़ इस पूरे हफ्ते के जो एहतियाती तदाबीर में चीज़ें आती हैं वो अपने एग्रेशन को थोड़ा सा कंट्रोल करना है क्योंकि आपके मिजाज में थोड़ा सा हाकमाना तबीयत नज़र आती है अपनी बात को प्रेफर करना मनवाना दूसरों के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना ये सारी चीज़ें आपके पूरे वीक में नज़र आती हैं जिसको आपको चाहिए कि थोड़ा सा कंट्रोल करें क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फैमिली मेंबर्स के साथ आपके किसी भी तौर के ऊपर बहसो तकरार नहीं हो किसी भी तौर के ऊपर आप उनकी सोच को रद्द ना करें किसी भी लिहाज से आप उनकी फरमाइशें जो हैं जो आपकी जात तक आ रही हैं उन फरमाइशों को आप लोग इग्नोर ना करें अदरवाइज़ आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स के साथ थोड़ा सा कम्युनिकेशन लेवल बढ़ सकता है तो कम्युनिकेशन लेवल को आप लोगों ने समेटने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस पूरे हफ्ते की आप लोगों ने मद्देनजर रखनी है कि आप लोगों ने फैमिली मेंबर के साथ बहुत अच्छा और पॉजिटिव रवैया रखना है आप लोगों ने नरमी के साथ दूसरों के साथ बात करनी है स्पेशली अपने खानगी अफराद के साथ इसके साथ साथ तो इस पूरे वीक में आप लोगों ने अपनी वालदा की सेहत के बारे में भी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है सेहत के लिहाज से किसी भी तौर के ऊपर कोई नेग्लीजेंसी आपके इस पूरे वीक में नहीं होनी चाहिए इसके अलावा फाइनेशली तौर के ऊपर आपकी पोजिशन देखी जाए तो माली लिहाज से आपकी पोजिशन काफ़ी कदर मुस्कम है मुसबत नज़र आ रही है इवन रिसेंटली जो आप लोगों ने ट्रैवल किया है उसकी बरकत से आप लोगों के नसीब में भी पॉजिटिविटी नजर आ रही है नसीब में मस्बत पहलू उजागर हैं जिसकी वजह से आप लोगों के लिए पूरा ही हफ्ता बहुत ज़्यादा इन खुशगवार खुशगवार होगा आमदनी के लिहाज से कुछ खास प्रॉब्लम्स आपके इस पूरे वीक में नज़र नहीं आती बल्कि इवन अगर किसी जगह पर पैसे रुके हुए हैं तकाज़ा करने से वो मिल भी सकते हैं कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ावा नजर आता है ख़ुदमादी नज़र आती है तजदीद मरासम नजर आती है यानी कि ऐसे आप लोगों के रिलेटिव जो कि नाराज़ हैं रूठे हुए हैं उनके साथ आप लोग अपने ताल्लुक को जोड़ते हुए नजर आएंगे कुछ गलत फहमियों का इजाला मुमकिन में से नजर आता है चीज़ें सॉर्ट आउट होने की तरफ बढ़ रही हैं और किसी ख़ास मकसद के तहत कुछ एरीज अफराद ट्रैवल के बारे में भी सोच सकते हैं जो कि आपको अचानक से कुछ हंगामी बुनियादों के ऊपर करना पड़ सकता है लेकिन सफ़र से पहले अपना सदका ज़रूर दीजिएगा इसके अलावा ये पूरा ही वीक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने फैमिली मेम्बर्स की ख्वाहिशात का एहतराम करना किसी भी तौर के ऊपर गु़स्से का नाराज़गी का या फिर अपने लहजे में थोड़ा सा ऊंची आवाज़ का होना इसको भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मद्देनजर रखना है ताकि ख़ान की माहौल में खुशगवारी जो है ये बहाल रह पाए इसके अलावा ये पूरे वीक को देखा जाए तो मामला मोहब्बत के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शरीक मोहब्बत आपके सोच मिजाज के ऊपर हावी नज़र आता है और आप लोग हम वक्त किसी न किसी दौर के ऊपर उसके ख्यालों में महव रहेंगे और चीज़ें आपकी ज़्यादातर रोमानवी ज़िंदगी के लिहाज से मस्बत ही नज़र आती हैं और अगर आप लोग साहिब औलाद हैं औलाद की जिम्मेदारियों से बड़ी खूबसूरती के साथ आप लोग इन काफ़ी हद हाँ तक फुलफ़िल करते हुए नज़र आएंगे कि औलाद की जितनी ख्वाहिशात जितनी सोच जितनी इवन उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं अगर तो उनकी ज़ाती मसाइल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपका बहुत अहम रोल प्ले होता हुआ नजर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इस पूरे वीक की कि अगर औलाद के चाहे कोई नफसियाती प्रॉब्लम है कोई सोच का प्रॉब्लम है कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं चाहे आपकी औलाद की अजदवाजी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं या उनकी प्रैक्टिकलिटीज़ के हवाले से कुछ प्रॉब्लम है और वो जहनी तौर के ऊपर उलझाऊ का शिकार हैं तो ये पूरा हफ़्ता आप लोग बहुत अच्छा वक्त स्पेंड करते हुए नज़र आते हैं और अपनी औलाद की पर्सनल ग्रूमिंग के लिए आप लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें करेंगे जो कि आपके लिए इन शाला मुफीद साबित होंगी फ़िज़िकल हेल्थ आप लोगों की काफ़ी हद तक इन पॉजिटिव रहेगी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ नज़रे बद से थोड़ा सा महफूज रहने की आपको इंडिकेशन ज़रूर नज़र आती हैं जिसको आप लोग सदके की रेमेडी करके काफ़ी हद तक महफूज भी रख पाएंगे अपने आप को लेकिन फिज़िकल हेल्थ वाइज़ कोई खास प्रॉब्लम नहीं है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों की अज्दवाजी ज़िंदगी में खुशहाली बरकत और शर्क हयात की अच्छी सोच की वजह से या शर्क हयात की तरफ से आप लोगों को फ़ाइनेशियली तौर के ऊपर बेनिफिट्स मिलते हुए नज़र आते हैं कुछ फाइनेंशियल रिलीफ आप लोगों को शरीक हयात से भी मिलेगा और अगर मुश्तरक मामला में अभी तक चीज़ें आप लोगों को किसी भी तौर पर फाइनेशियली तौर के ऊपर फेवर्स नहीं मिल पाए तो ये जो वीक है इसमें आपको शरीक कार की तरफ से भी कुछ फाइनेंशली फेवर्स मिलने की इंडिकेशन मौजूद हैं ये पूरा वीक आप लोगों के लिए कतई तौर के ऊपर विरासती प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए इतना अच्छा नहीं है तो विरासती प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट बिल्कुल मत करें जैसे चल रहे हैं चलने दें अदरवाइज़ ये पूरी ही आप लोगों की ईद की छुट्टियां ख़राब हो सकती हैं विरासती प्रॉब्लम्स को बिल्कुल भी आप लोगों ने डिस्कस नहीं करना इसको अगले हफ्ते तक ले जाए ये पूरा वीक आप लोगों के नसीब के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नसीब में यावरी नज़र आती है आप लोगों के रुके हुए कामों में कोशिश करने से कोई अच्छा सलूशन आपको मिल पाएगा इसके अलावा आप लोगों के दूसरों से जो तो या ख्वाहिशात वाबस्ता हैं वो भी काफ़ी हद तक इन शाला पूरी होती नज़र आती हैं इवन दोस्तों के साथ आपका मेल मुलाकात या फ़ोन कॉल्स मैसेजेस ई मेल्स का सिलसिला पहले की नस्बत मज़ीदी बढ़ जाएगा और सोशल लिंक्स में वसत नज़र आती है आपकी ज़िंदगी में कुछ नए लोगों की शमूलियत भी है जो कि आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छी सोच रखे हुए नज़र आएंगे इस पूरे वीक में आप लोग जो फिस अपना सदका देंगे जो कि नजरे बद के लिहाज से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों के लिए रहेगा मंगल वाले दिन हंसपे तो किसी भी लाल रंग की चीज़ का टॉरस बुर्जेसो बट जो सौर के जो बेसिकली लोग हैं ये पूरा वीक अगर हम लोग एनालाइज करें आप लोगों की प्लेटरी पोजिशन को लेके तो ये पूरा वीक आप लोगों के लिए नित नए आइडियाज़ का हामिल नज़र आता है नई सोच नई तख्लीक नई राहें कम्युनिकेशन स्किल्स का डिवेलप होना और नई नई अपने मुस्तबिल को तमीर के लिहाज से चीज़ों को प्लान आउट करना बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स आपके इतने खूबसूरत हैं कि आप लोग अपने हर रिश्ते में मोहब्बत जो है उसको शामिल करते हुए नज़र आएंगे नाराज़गी ख़त्म होती हुई नज़र आएंगे क्लैश ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे इवन कोई आप लोगों के ऐसी रंजिशें हैं जो कि काफ़ी अरसा से चल रही थी इस पूरे हफ़्ते में कोशिश करने से वो भी सुलझ जाएंगी इसके साथ साथ ये पूरा वीक आप लोगों के लिए तख्लीकी सोच के अतबार से बहुत ज़्यादा उमदा नज़र आता है आपके सोच में जो नए आइडियाज़ आ रहे हैं उनको आप लोग लिखते चले जाएँ इनको आप लोग प्लान आउट करते चले जाएँ इनको आप लोग डिस्कस करते चले जाएँ क्योंकि ये आइडियाज़ जब आप लोग फ्यूचर में अगले हफ्ते से अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मस्बत इंशाला रहेगा इसके साथ साथ जहाँ पे आप लोगों का ये पूरा हफ्ता जहनी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा मस्तकम है जहनी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है वहीं पे लिखने पढ़ने का शौक़ या फिर ऐसे अफराद की तरफ आप लोगों की इंटरेस्ट या ऐसे लोगों के साथ आप लोगों का इंटरेक्शन जो कि अदब के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत के हामल है तो आप लोगों का बेसिकली ये पूरा हफ़्ता कुछ नई नई चीज़ें सीखने के ऊपर सर्फ होगा अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के ऊपर होगा अपने आइडियाज़ को मज़ीद और ज़्यादा निखारने के ऊपर आप लोग फोकस नज़र आते हैं किसी हद हाँ तक आप लोग अजीज वारब रिश्ते और बहन भाइयों के साथ भी अपने ताल्लुक को मस्बत बनाने के लिए काफ़ी हद हाँ तक कोशा हैं क्योंकि आपके सोच में आपके मिजाज में आपकी पर्सनैलिटी में मोहब्बत बहुत ज़्यादा नुमायाँ है तो आप लोग कोशिश करेंगे आप अपनी ज़ात से मोहब्बत बांट सकें मोहब्बत बांटने का ये पूरा बेसिकली हफ़्ता है और इस पूरे हफ्ते में चाहे अजीज़ वारिब हों रिश्तेदार हों बहन भाई हों नेबर्स हों आपके दोस्त हों जिनके साथ आप मिल के काम कर रहे हैं उनके साथ कुछ रंजिशें चल रही हैं हर तरह की चीज़ों को आप लोग शॉट आउट करते हुए नज़र आते हैं इसके अलावा ये पूरा ही वीक आप लोगों के लिए थोड़ा सा अपने फिनंनशली तौर के ऊपर जितने भी मामला हैं उनको एक्सपेंसिस के लिहाज से रोकने की अशद ज़रूरत है क्योंकि अखराजात में इजाफा नज़र आता है अखराजात में जहाँ पर थोड़ा सा इजाफा है वहीं पर आप लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अखराजा अगर आप लोग समेट के रखेंगे तो कतई तौर तो के ऊपर कोई इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपको रहती हुई नज़र नहीं आती क्योंकि आमदनी के हवाले से प्रॉब्लम्स नहीं हैं असल प्रॉब्लम जो आपकी नज़र आती है वो थोड़ा सा शहाना मिजाजी और थोड़ा सा अखराजा का इंक्रीज़ है तो अखराजा को आप लोगों को हर हाँ दर्जे कंट्रोल करने की अशद ज़रूरत है इसके अलावा ये पूरा हफ़्ता आप लोग जहां पर अपने रिलेशनस को बेहतर बना रहे हैं अपने अजीज वारब के साथ रिश्तेदारों के साथ वहीं भी आप लोगों को ज़रूरत समर की है कि अपने फैमिली मेम्बर्स की ख्वाहिशात का हद दर्ज एहतराम करें अगर आप उनकी फरमाइशों को पूरा नहीं कर पा रहे आपके इतने वसाइल नहीं हैं या इस तरह के हालात नहीं हैं कि आप उनकी फरमाइशों को फौरी तौर तो के ऊपर पूरा करें तो आप लोग उनकी बात को सुने ज़रूर आप लोग बिल्कुल भी एकदम से उनकी बात को रद्द नहीं करें उनकी बात को सुने अहमियत दें फोकियत दें और उनको चीज़ का यकीन दिलाएं कि आप उनके लिए हद दर्जे कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तौर पर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सके उनकी ख्वाहिशात को पूरा बनाया जा सके उनकी बात को सुन लेने से ही आप लोगों के रिलेशन अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपने खान के अफराद के साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहेंगे आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होंगी आपको उनकी तरफ से नाराज़गी नहीं फेस करनी पड़ेगी ज़रूरत नहीं है कि अगर आप पूरा नहीं भी कर रहे ख्वाहिशात जरूरत इस चीज़ की है कि तो उनको इस चीज़ का एहसास हो कि आपने उनकी बात को सुना है तवज्जो से सुना है और आपने कोशिश की है या उनको यकीन दहानी कराई है कि आप उनके काम में उनके लिए मावनत करेंगे इसके अलावा ये पूरा हफ्ता आप वालदा की सेहत के लिहाज से बहुत ज़्यादा एहतियात का हामिल है किसी भी तौर के ऊपर कोई नेग्लीजेंसी वालदा की सेहत के लिहाज से आपके लिए नहीं रहनी चाहिए अदरवाइज़ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसके अलावा आप लोग सदका भी दे सकते हैं अपनी वालदा की सेहत की नीयत से और इवन अपनी ज़िंदगी में भी आसानियों की बेहतरी के लिए वो इन श्ला मैं आपको बता दूंगा रोमानवी जिंदगी के लिहाज से ये पूरा हफ्ता देखा जाए तो मामला मोहब्बत बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं हास्दी जिन्होंने आपकी मामला मोहब्बत में प्रॉब्लम्स क्रिएट की ऐसे हास्दी जिन्होंने आपका कम्युनिकेशन लेवल डिस्टर्ब रखा जिस वर्ड से आप मोहब्बत करते हैं उसके साथ बिला वजह के ख़दश रहे या शर्क मोहब्बत की जो मनफी सोच थी जो थोड़ा सा ओवर सेंसिटिविटी की वजह से आपको प्रॉब्लम फेस हो रही थी तो ऐसी सारी चीज़ें इस हफ़्ते में इनशाला ख़त्म होती हुई नज़र आती हैं मामलाते मोहब्बत आपके मज़ीद निकल जाएंगे और आपका तजदीद का अमल जारी होगा आपके एक्सक्यूज़ का सिलसिला स्टार्ट होगा और गलत फहमियाँ ख़त्म होने से कम्युनिकेशन लेवल बढ़ने से आप लोगों के मोहब्बत के मामला में मज़ीद और ज़्यादा इन प्योरिटी आ सकेगी अगर आप लोग साहिब औलाद हैं औलाद की तरफ से भी जितनी तफ़ुर आपके जहन में थे जितनी प्रॉब्लम्स आप लोग अपने जहन में समोए हुए थे वह तमाम तरफ प्रॉब्लम आपके ख़त्म होते हुए नजर आते हैं चाहे वो उनकी सेहत से रिलेट करता हो चाहे वो उनकी पर्सनल ज़िंदगी या उनके सोच से रिलेट करता हो ऐसे तमाम तफ़रतारा से आप लोग काफ़ी हद तक इन बाहर निकलते हुए नजर आते हैं तो औलाद की तरफ से भी आपको जहनी तौर के ऊपर काफ़ी हद तक इन खुशहाली देखनी नसीब होगी अपनी फिज़िकल हेल्थ की बात की जाए तो आप लोगों को फूड इंटेक के बारे में बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है क्योंकि अगर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ में कोई आपकी इंटरनल हेल्थ में प्रॉब्लम आती है तो वो सिर्फ़ आपके फूड इंटेक में लापरवाही की वजह से है तो फूड इंटेक में थोड़ी सी एहतियात बरतने की ज़रूरत है अदरवाइज़ आप लोगों के लिए हेल्थ वाइज कुछ इतने मेजर इश्यूज नज़र नहीं आते इवन आप लोगों के लिए पूरा ही हफ्ता आप लोगों के खानगी माहौल के लिए जहां पे एहतियात को है कि आपने उनकी बात को तवज्जो देनी है उसी तरह आप लोगों के शराखती मामला में आप लोगों के शर्क हयात के साथ ताल्लुक में भी यही चीज़ हावी रहेगी और यही चीज़ इंप्लीमेंट आपने करनी है कि अपने शर्क कार और अपने शर्क हयात दोनों ही की बात को आप लोगों ने सुनना है अंडरस्टैंड करना है और उसको इस चीज़ का एहसास दिलाना है कि उसकी ज़ात उसकी बात और उसकी कही हुई ख्वाहिश आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामल है और आप हर दर्जे कोशिश करेंगे कि आप उसकी ख्वाहिश को पूरा कर सकें आप उसकी बात के मुताबिक मामलात को अंजाम दे सकें जहाँ पे आपके शरीक कार या शर्क हयात को इस चीज़ का ज़रा सा भी एहसास हुआ कि आप उसकी ज़ात को प्रेफर नहीं कर रहे आप उसकी बात कही हुई आप उसके काम जो कहे हुए हैं उनको आप लोग वैल्यू नहीं दे रहे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और रंजिशें या फिर किसी भी तौर के ऊपर नाराज़गी का इजहार किया जा सकता है अगर आप लोग चाहते हैं कि नाराज़गी ना हो आप लोग चाहते हैं कि ऐसे अल्फाज ना सुनने पड़ें जो कि आपकी तबीयत के ऊपर नागवार हैं तो आप दूसरे फ्रीक़ा इनको इस चीज़ का भरपूर एहसास दिलाएं कि उनकी ज़ात आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और आप हर दर्जे कोशिश करेंगे कि उनकी ख्वाहिशात का एहतराम किया जाए और उनके मामलों को अंजाम दिया जाए विरासती तौर के ऊपर प्रॉब्लम्स आपकी चल रही हैं उनको अगर मिल बैठ के सुलझाना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छे मामलात हैं कि दूसरे फरीक आपकी फेवर करते हुए नज़र आएंगे आपकी इज्जत वकार और रुतबे में बढ़ावा नज़र आएगा तो विरासी प्रॉब्लम्स कोशिश करने से सुलझ सकते हैं ओवरऑल बाकी आपके मामला देखे जाए मज़हब रूहानियत फलाही कामों के अतबार से तो ये थोड़े से रियलिस्टिक अप्रोच में है कि आप लोग दूसरों की मदद तभी करते हुए नज़र आते हैं जब आप अपने अखराजात को समेट रहे हैं अखराजात आपके सिमटे हुए हैं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपको है नहीं तो फिर आप दूसरों की काफ़ी हद तक भरपूर मावनत करते हुए नजर आते हैं लेकिन ये रियलिस्टिक बेस के ऊपर ही रहेगी अगर आप अखराज को नहीं समेट रहे अगर आप अखराज कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो फिर आप लोगों की जितनी भी ऐसी सोच है या जितनी भी ऐसी काविश है कि आप दूसरों की मदद करें फाइनेंशियली दौर के ऊपर उसमें थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से कमी हो सकती है तो ये बेस रियलिस्टिक अप्रोच के रहेगी कि अखराजात को आप किस तरह मैनेज करते हैं इसके साथ साथ ये पूरा हफ़्ता इज्जत वकार और रतबे की बहाली के लिए बहुत अच्छा है आपके फ्रेंड्स के सर्कल के लिहाज से आपकी ख्वाहिशात के लिहाज से काफ़ी हद तक इन शबत नज़र आता है इस पूरे वीक में बेसिकली आप लोग जो अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा हफ्ते वाले दिन हंसब तफ़ी तो किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का जयमाएँ बुरज़ा बुरज जौजा के हामिल जो लोग हैं बेसिकली ये पूरा हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात का हामिल है हर लिहाज से आप लोगों को चाहिए कि अपने पेपर के ऊपर हर एहतियात को लिखते चले जाएं सबसे जो मेजर चीज़ है आप लोगों की वो है डिसीजन मेकिंग आप लोगों के कुवत फैसला कुवत फैसला आप लोगों की इतनी ज़्यादा पायदार नहीं है जितनी आप लोगों को लग रही है तो जब डिसीजन मेकिंग आपकी इम्प्रूव नहीं है तो जो भी फैसला करेंगे उसमें आप लोगों को बाद में ये एहसास होगा कि आप लोगों को थोड़ा सा रुक के सोच समझ लेना चाहिए था तो सबसे मेजर चीज़ आप लोगों के लिए इस पूरे हफ्ते में है सोच डिसीजन मेकिंग अपने सोच में से हसासीत को ओवरकम करना ओवर कॉन्फिडेंस को अपनी जात में कम करना कॉन्फिडेंट तक रहें तो मामलात जिंदगी आपके बड़े पॉजिटिव हैं आप लोगों के लिए पूरा वीक एहतियाती तदाबीर को अपनाने का है आप लोग जो भी बात कर रहे हैं अपने अलफाज को एक दफ़ा दोबारा से नज़र षानी करें आप जो भी फ़ैसला कर रहे हैं अपने फ़ैसलों के ऊपर एक दफ़ा नज़र षानी करें आप जो काम करना चाहते हैं कुछ तब्दीली करना चाह रहे हैं कुछ रिफॉर्म्स ले आना चाह रहे हैं बुज़ुर्गों के साथ मुखिलसिन के साथ चीज़ों को एक दफ़ा शेयर ज़रूर करें आप लोग हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी जमनाए लोग हैं हर काम करने से पहले आप लोग एक दफ़ा अपने मुखलस फ़र्द के साथ मशवरा ज़रूर करें उसकी सोच को शामिल हाल रखते हुए फिर अपने मामला को अंजाम देंगे तो आपका यह हफ्ता यकसर पॉजिटिव रहेगा कतई तौर तो के ऊपर आपको बाद में नहीं पछताना पड़ेगा कि आप लोग अगर रुक जाते या सोच लेते या ये काम ना करते तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती आप लोगों को एक मुखल अहबाब की ज़रूरत है एक मुखलस फ़र्द की ज़रूरत है जो कि आपको वक्ता फवकाता इस पूरे हफ्ते में गाइडलाइन लाइन करें वक्तन फ़वकाता इस पूरे वीक में आप लोगों की खुद इतमादी की बहाली करें आपको ओवर कॉन्फिडेंस से कम लेके आए आपको थोड़ा सा हकीकत का आईना दिखाए आपको रलस्तिक अप्रोच की तरफ रखें और वो ऐसा ही शख्स होना चाहिए जो कि हर बात में आपको गाइड कर सके लिमिटेशंस बिल्कुल ना हो तो कोशिश करें कि आप लोग इस पूरे वीक को एक तो प्लान आउट करें प्लान आउट करने के साथ साथ जो भी चीज़ें आपने अंजाम देनी है क्योंकि वैसे भी बहुत सारे शोबा ज़िंदगी जो है वो बंद हैं तो आप लोग अपना ज़्यादातर मोस्टली वक्त जो है वो घर में गुजार रहे हैं दोस्तों में गुजार रहे हैं अपने मशागल में गुजार रहे हैं तो आपको इस पूरे वीक में अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है ओवर कॉन्फिडेंस से बाहर रखना है आपको सेंसिटिव नहीं होना आपको बिला वजह छोटी छोटी चीज़ें अपने ऊपर हावी नहीं करनी आप लोगों ने डिप्रेशन में नहीं जाना अपने डिसीजन मेकिंग को ओवरव्यू करना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जल्दबाजी और एग्रेशन को भी कंट्रोल करना है क्योंकि ये पूरा वीक आप लोग जल्दबाजी की वजह से गुस्से की वजह से अपने फैमिली मेंबर के साथ बिगाड़ की तरफ जा सकते हैं अपने खानगी माहौल में प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा सकते हैं आप अपने फैमिली मेंबर के साथ इखलाफात की तरफ बढ़ सकते हैं आप अपने अजीजों रिश्तेदार बहन भाइयों के साथ प्रॉब्लम्स की तरफ जा सकते हैं सफ़र का इरादा अगर आप हालात के बगैर सोचे बना रहे हैं आप लोग ज़रूरत होने के बगैर अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो तब भी आपके लिए प्रॉब्लम्स आने की इंडिकेशन हैं तो ये पूरा वीक आपके लिए काफ़ी एहतियाती तदाबीर का हामिल है कोशिश करें कि इस पूरे वीक में आप लोग वक्तन फवक्तन सदक़ात ज़रूर दें इसके अलावा आप लोग एक मुखलस फ़र्द लाजमी रखें अपने साथ जो कि आपको गाइड कर सके जो कि आपको बेहतर तौर के ऊपर रेमेडी के तौर के ऊपर एक मशवरा दे सके फिनेंशली तौर तो के ऊपर ये पूरा वीक अगर देखा जाए तो आमदनी के लिहाज से ये पूरे वीक के सिर्फ स्टार्टिंग जो दो से तीन दिन हैं वो के लिए थोड़े से प्रॉब्लम आर्क है कि आमदनी के लिहाज से पहले दो दिन आपके लिए थोड़े से प्रॉब्लम हारक हो सकते हैं थोड़ा सा एक्सपेंसिज एक्सीड कर सकते हैं लेकिन बाद वाले जो दिन हैं बेसिकली वेन्नसडे के बाद से कतई तौर तो के ऊपर कोई इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपके लिए डिप्रेसिव नहीं होंगी सिर्फ आप लोग हालात की वजह से घरेलू माहौल की वजह से अपने गुस्से अपने एग्रेशन अपनी फ्रस्ट्रेशन की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स में जा सकते हैं तो उस चीज़ को आप लोगों को थोड़ा सा बैलेंस रखने की जरूरत है लाइफ में किसी भी चीज़ को कम करना आपके मसले का हल नहीं होगा कॉन्फिडेंस को कम करने से आपका प्रॉब्लम सोलूशन नहीं होगा कॉन्फिडेंस को बैलेंस रखने से बेसिकली आप लोग डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे तो चीज़ों में बैलेंस रखना कायम करना जो है इसको आपको इस पूरे वीक में सीखना है और उसी के ऊपर आपने अमल करना है इसके साथ साथ ये पूरा वीक आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग किसी खास पर्पस के लिए कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है लेकिन अगर बगैर किसी पर्पस के कर रहे हैं तो फिर आपकी ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र नहीं आती तो इस लिहाज से कोशिश करें कि आप लोग अव्वल तो ट्रैवल नहीं करें लेकिन अगर बहुत अशद ज़रूरी है तो फिर भी सदका दे सफ़र करें इसके अलावा आप लोगों के फैमिली माहौल में थोड़ा तनाव खिंचाव प्रॉब्लम्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती हुई नज़र आती हैं उसको सॉर्ट आउट करना अशद ज़रूरी होगा और वो चीज़ें तभी सॉर्ट आउट होंगी जब आप लोग थोड़ा सा खामोशी से काम लें आप थोड़ा सा चीज़ों में दरगुजर से काम लें अग्रेसिव बिल्कुल नहीं हो बहस तकरार की तरफ मत जाएँ और दूसरों के ऊपर अपनी सोच को अपने फैसलों को बिल्कुल इम्प्लीमेंट मत करना क्योंकि आपके फैसले ऑलरेडी इतने अच्छे नहीं हैं और आप जब दूसरों पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम मजीद बढ़ सकती हैं वालदा की सेहत के लिहाज से भी ये पूरा वीक बहुत ज़्यादा एहतियात का हामिल है रुमानवी जिंदगी की बात की जाए तो मामला मोहब्बत के लिहाज से भी ये पूरा वीक बहुत ज़्यादा एहतियात का हामिल है क्योंकि थोड़ी सी सेंसटिविटी नजर आती है मामलाते मोहब्बत में भी और जिस फर्द से आप मोहब्बत कर रहे हैं उसके मिजाज में भी कुछ इतने ज़्यादा मिसबत पहलू नहीं है तो इस वजह से आपकी वीक डिसीजन मेकिंग और उसकी वीक डिसीजन मेकिंग आपके मामलाते मोहब्बत को मजीद सेंसिटिव बना सकती है इस चीज़ को आपको थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत है बहस मत करें अपनी सोच को इम्प्लीमेंट मत करें और अगर उस शख्स की सोच आपसे भी डाइजेस्ट नहीं हो रही तो कोशिश करें कि दोनों किसी न किसी तौर पे चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग बैलेंस की तरफ ले आए थोड़ा सा अपना कम्युनिकेशन लेवल उसको फ्रीक्वेंसी को सेट कर लें कि किस फ्रीक्वेंसी पर आप लोगों ने एक दूसरे से बात करनी है और कौन सी चीज़ आपने माननी है और कौन सी नहीं माननी और किस हद तक चीज़ें आपने एक्सेप्ट करनी है और किस हद तक नहीं करनी ये चीज़ जब पहले से क्लैरिफाई होगी तो तब कतई तौर पर प्रॉब्लम्स नहीं होंगी अगर आप लोग साहिब औलाद हैं औलाद की सेहत के लिहाज से ये हफ्ता भी बहुत ज़्यादा एहतियात का हामिल है सेहत के एतबार से भी और उनके रोज़ शब के अबार से भी कि उनकी क्या सरगर्मियाँ चल रही हैं उसको थोड़ा सा आप लोगों ने इस पूरे वीक में मोनीटर करना है क्योंकि ऑलरेडी आप इस वीक में मोस्टली लोग जो हैं वो घर पर हैं तो आप लोग कोशिश करें कि अगर आपद के साथ ज़्यादा से सा ज़्यादा वक्त स्पेंड करें और उनके मशागल को थोड़ा सा जज करें इसके अलावा ये पूरा वीक आप लोगों की अपनी फ़िज़िकल हेल्थ की बात की जाए तो नज़रबद ऑन एंड ऑफ़ आपके कामों में प्रॉब्लम्स लेकर आ सकती हैं और नजरेबद की वजह से आप लोगों की सेहत जो है problem, आप, आपको कोई की तो नहीं रहेगी। लेकिन सिर्फ बद की वजह से आप लोग थोड़ा सा अपने ऊपर सुस्ती काहली को हावी करते हुए नजर आते हैं तो इस चीज को थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप लोग अपनी चीजों को प्लान आउट कर रहे हैं दूसरों को फैसलों को शामिल कर रहे हैं अपनी जिंदगी में और वक्तन फवक्तन पूरे हफ्ते में सबका देना है इस बुरे वीक में देखा जाए तो अजदवादी ज़िंदगी में खुशहाली नजर आती है शरीक हयात आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश वक्त नज़र आता है और उसके ही फैसलों से आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरी भी ला सकते हैं शर्क कार भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुखलिस नज़र आता है आप उसके साथ भी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं और वो भी आपको कुछ अच्छे मशवरे दे सकता है विरासती प्रॉब्लम्स अगर शॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं तो विरासती प्रॉब्लम से फाइनेंशियली बेनिफिट्स तो मिलेंगे लेकिन विरासती जितनी भी मामलात हैं जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें आप कोशिश करेंगे थोड़ा सा हकीकत पसंदाना सोच रखें या फिर बुजुर्गों के ऊपर चीज़ों को छोड़ दें और वो जो भी फैसला करें उसको मन वन तस्लीम करें चाहे वो आपके थोड़ा सा नुकसान में ही क्यों ना हो अल्लाह ताली आपको वो नुकसान किसी और जरिए से पूरा कर देगा आपको इसमें बिल्कुल भी उनके फैसलों को अपोज करने की जरूरत नहीं है आपके लिए यही बेहतर है कि आप बुजुर्गों के किए गए फैसले जो हैं उनके ऊपर ही फ़ाइनल चीज़ें रखें इसके अलावा ये पूरा वीक मजहब रूहानियत फलाही काम दूसरों की मदद करने का जज्बा और मज़बी तौर के ऊपर किसी न किसी तौर पे अपने इंटरेस्ट में डेवलप करना चीज़ों को बेहतर करना ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा उम्दा नज़र आती है रिस्पेक्ट इज़्ज़त फेम इसमें भी बढ़ावा नज़र आता है कि दूसरे अफराद के साथ आप जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर आप उनसे कोई मशवरा ले रहे हैं अगर आप उनके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं अगर आप उनसे कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं तो हर तरह की अमली मावनत आपको दूसरों से मिलती हुई नजर आएगी तो आपकी इज़्ज़त वकार रुतबे में इजाफा ही नजर आता है इस पूरे वीक में जो बेसिकली आप लोग अपना सदका देंगे वो सदक आपके वक्फन फक्तन फवक्तन है जो कि पहला सदका आप लोग देंगे मंगल वाले दिन हजब तफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का दूसरा सदका आप लोग देंगे बेसिकली जमेरात वाले दिन किसी भी जर्द रंग की चीज़ का और तीसरा सदका आप लोग देंगे हफ्ते वाले दिन किसी भी ब्लैक कल लड़की चीज का कैंसरेंस برج سرطان برج سرطان के जो लोग हैं बेसिकली ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए काफी हद तक अहमियत का حامل है इस पूरे वीक को थोड़ा सा आप लोगों को समझ के गुजारने की जरूरत है कि कौन सा दिन आपके लिए पॉजिटिव है कौन सा दिन आपके लिए थोड़ा सा में आना है और कौन सा दिन आप लोगों के लिए एहतियात का حامل है अगर आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि डे टू डे चीज़ें आप लोग प्लान आउट कर रहे हैं और डे टू डे चीज़ें आपको पता है कि ये दिन आपके लिए अच्छा है और इसमें आप जो भी चीज़ें करनी है उसमें कर दें जो चीज़ आपके लिए म्याा है उसमें वो चीज़ें करें जिनमें आपको एक्सपेक्टेशन ना भी पूरी हों डिप्रेशन ना हो और जो दिन आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है तो उसमें आप लोगों को हद दर्जे एहतियात की ज़रूरत है हर तरह की रिलेशंस में भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में भी और अपनी सेहत के लिहाज से भी तो ये पूरे वीक की अगर हम लोग इब्ता करें जो पहला दिन है वो बेसिकली आप लोगों के लिए डिसीजन मेकिंग के इतबार से इतना पॉजिटिव नहीं है जो भी फैसले कर रहे हैं पहले दिन बिल्कुल मत करें या तो पहले दिन की इब्तदा से पहले कर लें या फिर दूसरों के साथ मशवरा करके करें अदरवाइज़ पहला दिन आप लोगों के लिए आपके रिस्पेक्ट इज्जत आपके वकार, दूसरों के साथ आपकी एक्सपेक्टेशंस का पूरा होना फैमिली माहौल में काफ़ी हद हाँ तक खुशगवारी का होना आप लोगों की रोमानवी जिंदगी में मिसबत पहलुओं का उजागर होना आप लोगों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का खात्मा होना ये पहले दिन में तो शामिल हाल है, लेकिन जो पहला दिन है बेसिकली डिसीजन मेकिंग उसमें इतनी इंप्रूफ नहीं है तो जो भी चीज़ में आप लोग फैसला कर रहे हैं चाहे वो कोई इवन घरेलू तजी और आरइशी क्यों ना हो चाहे वो कोई आप लोग अपने रूम की टीवी लाउंज की ड्राइंग रूम की अगर बेशक सेटिंग ही चेंज क्यों ना कर रहे हैं तब भी आप लोगों ने फैमिली मेंबर्स के मशवरे के मुताबिक चीज़ें अंजाम देनी है तो प्रैक्टिकलिटीज के हवाले से तो वैसे ही डिसीजन आप लोगों ने दूसरों पर बगैर मशवरे के बिल्कुल नहीं कर रहे हैं इसके साथ साथ दूसरे दिन की तरफ बढ़ें तो दूसरा दिन कदरें आप लोगों के लिए मस्बत है क्या आपकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी पॉजिटिव हो चुकी होगी आपको चीज़ें समझ आएंगी जो फैसला आप लोग करेंगे आप लोग काफ़ी हद तक उमदा डिसीजन लेते हुए नज़र आते हैं इसके साथ साथ आपका हल्का अबाबाब ग्रो करता हुआ नज़र आता है वसत नज़र आती है आपके फ्रेंड्स के सर्कल में दरीना ख्वाहिशात कोशिश करने से पूरी होती हुई नज़र आती हैं इवन आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग जो कि मुखलस हैं और आपके बहुत दिल के करीब हैं उनकी तरफ से आपकी तवक़ात पूरी होती हुई नज़र आएंगे स्पेशली आपके बड़े बहन भाई आपके रिलेशन आपके दोस्त अहबाब इनकी तरफ से आपकी फरमाइशें आप लोगों की ख्वाहिशात आपके काम जो कि उनके ज़िम्मे हैं वो पूरे होने से रूहानी तौर के ऊपर खुशबख्तियाँ आपको मिलती हुई नजर आती हैं जो कि बड़ी मस्बत हैं इसके साथ साथ तीसरे दिन की तरफ बढ़ते हैं तो जो तीसरा दिन है तीसरा दिन बेसिकली आप लोगों की सेहत के बारे में और अगेन अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में और दूसरा अपनी डिसीजन मेकिंग के लिहाज से इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है तीसरा दिन और चौथा दिन ये दो दिन ऐसे हैं बेसिकली वनस्डे और थर्सडे के जो दिन हैं इन दो ही दिनों में अपनी आमदनी के लिहाज से चीज़ें फाइनेंशियल मेरट्स के लिहाज से चीज़ें एक्सपेंसेस के लिहाज से चीज़ों को कंट्रोल करना शहाना मिजाजी फजूल ख़र्चों से थोड़ा सा इजनाप बरतना और इसके साथ साथ अपनी सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना सेहत के लिहाज से कतई तौर के ऊपर कोई चीज़ आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा काबिल अमल नहीं है कि अपनी हेल्थ के ऊपर आप किसी चीज़ को कंप्रोमाइज करें सेहत जो है ये मेन आपके लिए फोकियत होनी चाहिए वेनसडे और थर्सडे दे वाले दिन इसके साथ साथ आप लोगों की डिसीजन मेकिंग कोई भी फ़ैसला कर रहे हैं तो वही पहले दिन वाली कैफियत आपने रखनी है कि आप लोगों ने मुखलस लोगों की तरफ चीज़ों को डाइवर्ट कर देना है उनके मशवरों के साथ मामला को अंजाम देना है चाहे वो आपके फैमिली मैरिज हो चाहे वो आपके करियर के आगे आने वाले हालात हों चाहे वो आपके इवन रिलेशन वाइज चीज़ें हों चाहे वो आपकी आगे फ्यूचर प्लानिंग हो हर तरह की चीज़ों को आप लोगों ने दूसरों के साथ मशवरे के साथ ही फ़ाइनलैज करना है तो आप प्लीज़ ज़्यादा मुनासिब और बेहतर रहेंगे अब चीज़ें आती हैं आप लोगों के फ्राइडे सैटरडे सनडे वाले दिन जुम्मा हफ़् इतवार ये तीन दिन ऐसे हैं बेसिकली जिसमें आप लोग जहनी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश नज़र आएंगे आप लोग पुरसकून नज़र आएंगे आप लोगों की डिसीजन मेकिंग भी बहुत पॉजिटिव है आप लोग मुस्तकिल मिजाज नज़र आ रहे हैं आप लोगों के जितने खदशात वहम वसफ़ से हर तरह की चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आती हैं जुम्मा हफ़्ता एतवार ये तीन दिन ऐसे हैं जिसमें जहनी तौर के ऊपर हकीीकी मायने में इस पूरे वीक में आप लोग खुशी महसूस करते हुए नजर आएंगे आप अपने आप को पुरसकून महसूस करते हुए नज़र आएंगे आपकी हर तरह की प्रॉब्लम सिमटती हुई नज़र आएगी आप किसी भी मसले को हल करने की तरफ जो फैसला करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा और खुश होगा उसके नतज बड़े खुश नजर आएंगे उसके नतज बड़े मुसबत होंगे जो कि आपको बेसिकली जहनी तौर के ऊपर इस्तकामत फराम करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने सिर्फ ये छोटी छोटी प्लानिंग्स करनी है तो ये पूरा हफ्ता आपका बड़ा खुशगवार होने वाला है और दरमिया हिस्से में जो थोड़े से एहतियाती तदबीर हैं और इब्तदाम है अगर वह आप अपना लेते हैं तो यह पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत ज्यादा मस्बत गुजरेगा कतई तौर के ऊपर कुछ इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है मेनली अगर इस पूरे वीक को हम ओवरऑल एनालाइज करें तो ओवरऑल एनालाइज करने के लिहाज से फाइनेंशियली तौर तो के ऊपर कोई खास प्रॉब्लम्स नहीं है आमदनी के लिहाज से आपके खर्चा बहुत अच्छे तरीके से पूरा होता हुआ नजर आएगा चाहे आपकी आमदनी हो रही है नहीं हो रही अखराजा बड़ी खूबसूरती के साथ आप लोग पूरे कर रहेंगे कुछ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं होंगी अजीजों का रिश्तेदार और बहन भाइयों के साथ आपकी जो तो है आपके उनके साथ जो रिलेशन हैं वो बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं कंप्रोमाइजेस का सिलसिला होगा गलतफहमियाँ ख़त्म होंगी और दिलों की क़ुदरतें भी ख़त्म होने से मोहब्बत जो है ये बढ़ पाएगी इसके अलावा आप लोगों का खानगी माहौल खुशगवारी का पैगाम देता हुआ नज़र आएगा खानगी माहौल में भी फैमिली मेम्बर्स में भी स्पेशली बड़े बहन भाइयों के साथ आपके तालुकात बड़े खूबसूरत रहेंगे और वालदा की सेहत याबी भी, भी आपके लिए काफ़ी हद तक इन शाला मस्बत नज़र आती है इसके साथ साथ आप लोगों की रुमानवी जिंदगी को देखा जाए तो यहाँ पर आप लोग हाँ की हदबंदी करते हुए नज़र आएंगे ऐसे लोग जो कि आपकी रुमानवी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आप उनकी हदबंदी कर सकते हैं और आपका जो कम्युनिकेशन गैप चल रहा था ये जो नाराज़गियाँ चल रही थी उनको कम से कम करने की कोशिश करेंगे आप लोग कम्युनिकेशन लेवल को बहाल करेंगे एक्सक्यूज़ का सिलसिला शुरू होगा और आप लोग मामलात मुहब्बत में मिसबत अंदाज़ में पहल करते हुए नज़र आते हैं इसके साथ साथ ये पूरा वीक अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद के रोज़ शब के ऊपर थोड़ी सी आप लोगों का एहतियात करने की अशद जरूरत है और औलाद के ना सिर्फ रोज़ोश बल्कि उनकी सोच उनके मिजाज उनकी पर्सनालिटी को थोड़ा सा मुस्बत वे में भी कन्वर्ट करने की अशद जरूरत रहेगी फिजिकल हेल्थ वाइज ये पूरा वीक आपके लिए बहुत पॉजिटिव सिर्फ जो दो दिन मैंने आपको बताए हैं वेनजडे और थर्सडे ये दो दिन ऐसे हैं जिसमें सेहत के बारे में आपने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना अदरवाइज पूरा हफ्ता आपके लिए काफ़ी मजबूत है अजदवाजी ज़िंदगी देखी जाए या फिर शर्क कार के साथ आपके रवाबत देखे जाए तो यह पूरा हफ़्ता आप लोगों काफ़ी हद हाँ तक खुश नजर आता है कि आपको शर्क कार की तरफ से जो आइडियाज़ मिल रहे हैं जो चीज़ें प्लान आउट कर रहे हैं या इवन अगर आप लोग कोई मुहदे कर रहे हैं कि अगले आने वाले दिनों में चीज़ें आप लोगों लो ने शुरू करनी है तो आपके लिए काफ़ी हद हाँ तक इन शाला फिनंशियल बेनिफि के हामिल होंगे और अजदवाजी ज़िंदगी भी खुशहाली का आपके लिए काफ़ी हद तक अमली नमूना साबित होगी और शर्क हयात आपको कुछ ऐसे अच्छे आइडियाज़ दे सकता है जिसकी वजह से आप लोगों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में कमी आ सके किसी जगह रुके हुए पैसे हैं या किसी को माजी में कर्ज़ दिया था तकाजा करेंगे कोशिश करेंगे तो मुमकिन से उसकी भी वापसी हो सकती है विरासती प्रॉब्लम्स की अगर हम लोग चीज़ें देखें तो ये पूरा हफ़्ता विरासती प्रॉब्लम्स के सोलूशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके मिजाज और सोच में मोहब्बत है आप दूसरों की बात को Uh, काफ़ी हद हाँ तक डाइजेस्ट करते हुए नजर आते हैं अंडरस्टैंड करते हुए नज़र आते हैं तो ये चीज़ एक पॉजिटिव है कि अगर विरासती प्रॉब्लम सोलूशन की तरफ जा रही हैं तो जो भी सोलूशन निकलेगा वो आपके लिए काबिल अमल होगा तो ये चीज़ एक पॉजिटिव वे में आप लोगों के लिए इस हफ्ते में जा सकती है इसके साथ साथ ये पूरा वीक आप लोगों के लिए फलाही काम मज़हब रूहानियत की तरफ देखा जाए तो इनको थोड़ा सा उजागर करने की अशद जरूरत रहेगी चीज़ें थोड़ा सा पुश करने से बढ़ सकेंगी ऑन रूटीन अगर आप कहेंगे मामला होते रहें तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा लेकिन आपके इज्जत वकार करियर और रुतबे में तो इजाफा नज़र आता है लेकिन इसके साथ साथ किसी भी नया माहिदा जो कि आपका इंडिविजुअली तौर के ऊपर हो या कोई भी ऐसी सोच जो कि ज़ाती बिजनेस के, के लिहाज से है उसको आप लोग प्लान आउट कर रहे हैं अगले आने वाले दिनों में फाइनलाइज करने के लिए तो वो आपके लिए इतनी पॉजिटिव नहीं है चीज़ों को आप लोग अभी फिलहाल सिर्फ एन्जॉय करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ और बाकी मामला के साथ आपका जो ज़ाती बिजनेस या करियर है उसके लिए जितनी भी प्लानिंग्स है उसको आप लोग छोड़ दें 26 के बाद ग्रहण के बाद तो आपके लिए ज़्यादा मुस्बत और पॉजिटिव रहेगा ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए हल्का एक बा, बाप के है वाले से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि आपका जो फ्रेंड्स का सर्कल है उसमें वसत भी आएगी उसमें कुछ नए लोग भी शामिल हाल होंगे और कुछ मुखलस लोग जो पहले से आपके हल्का अबाब में मौजूद हैं उनकी तरफ से भी आपके बहुत सारे काम पूरे होने की वजह से इखलाकी मावनत मिलने की वजह से आपका यह पूरा वीक बहुत ज़्यादा खुशगवार गुजरने वाला है सोशली तौर के ऊपर इसके साथ साथ पूरे हफ्ते का जो बेसिकली सदका है वो सदका आप लोग देंगे हफ्ते के इब्तः में इतवार वाले दिन हजब तो गंदम या बाजरा और इसके साथ साथ हफ़्ते के केख्ताम में इतवार वाले दिन गंदम या बाजरा लियो बुरज षद बुरज के हामिल जो बेसिकली लोग हैं आप लोगों के लिए पूरा हफ्ता चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज संभालने की अश्द ज़रूरत है सबसे इंपॉर्टेंटली ये पूरा वीक आप लोगों के लिए बेसिकली अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल करने के ऊपर सोशली तौर के ऊपर आपके जितने भी लिंक्स हैं उनके साथ को थोड़ा सा कम रखना और बहस बहसो तकरार से गुरेज हद दर्जे करना दोस्त एब आजीज़ोकारीब रिश्तेदार बहन भाई सबसे इंपॉर्टेंटली आपके जो बड़े बहन भाई हैं उनके साथ बहस बहसो तकरार और उनकी बात को निगलैक्ट करके अपनी बात को प्रेफर करना इस चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशन्स पॉजिटिव रहें कोई भी प्रॉब्लम आपको इस हफ्ते में फेस ना करनी पड़े तो आप लोगों को अपनी जो हाकमाना तबीयत है उनको रिलेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट बिल्कुल मत करें सबसे इंपॉर्टेंटली जो बहुत करीबी आपके रिलेशनस हैं है रिश्तेदार बहन भाई आपके फैमिली मेम्बर्स और आपके करीबी दोस्त इनके ऊपर अगर आप अपनी हाकमाना तबीयत को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स रह सकते हैं रिलेशन में स्पेशली अदरवाइज़ बाकी पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखें तो आपकी आमदनी के लिहाज से जितने भी मामला आते हैं ये बहुत खुशबक़्त नज़र आता है क्योंकि इज्जत वक़ार रुतबे में इजाफा नज़र आता है जो आपने रिसेंटली माजी में कुछ ऐसे इकदाम किए थे कि जो कि आपके करियर की स्टेबिलिटी के हवाले से थे उसमें आपको इस हफ्ते भी काफ़ी हद तक इन शाला फ्रूटफुल नतज मिलते रहेंगे और आपके करियर में स्टेबिलिटी ग्रोथ के लिहाज से कुछ ना कुछ अच्छी खबरें आपको सुनने को मिल सकती हैं या रूहानी तौर तो पर आप लोग बड़े पुरसकून रहेंगे कि करियर वाइज आपको कुछ खास इतनी ज़्यादा डिप्रेशन या परेशानी नहीं होगी क्योंकि आपको ये चीज़ अच्छी तरह जहन नशीन हो चुकी होगी कि जो आपने रिसेंटली चीज़ें स्टार्ट की हैं इस हफ़्ते के इख्ताम के बाद से ही जैसे ही दोबारा से प्रैक्टिकलिटीज़ का आगाज़ होगा बिज़नेस की रूटीन का आगाज़ होगा जॉब की रूटीन का आगाज़ होगा तो आपके बहुत सारे मामलों दोबारा से मस्बत होना शुरू हो जाएंगे तो ये एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा पुरसकून है कि आपको ज़ेनी तौर के ऊपर पुरसकून रखे हुए नज़र आती है लेकिन इस चीज़ को आप लोगों ने सिर्फ पुरसकून हालत के लिए ही संभाले रखना है ओवर कॉन्फिडेंट की तरफ नहीं जाना क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ जाएंगे और अपनी चीज़ें अम्पोज़ करनी शुरू कर देंगे आप रिलेशन के ऊपर तो फिर आपके रिलेशन्स में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं तो रिलेशन्स में जितनी चीज़ें हैं उनको आप लोगों ने इम्पोज़ नहीं करना अपनी ख्वाहिशात जो हैं उसका इजहार जरूर करें लेकिन दूसरों की बात उनकी सोच उनकी ख्वाहिशात, इसको आपको अंडस्टैंड असल में करने की अशद ज़रूरत है तभी आपके हकीकी मायने में चीज़ें मस्बत हो सकती हैं इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखें तो ये पूरा वीक आप लोगों के लिए खुद इतमादी में इजाफा लेकिन इसके साथ साथ जहाँ पर खुद इतमादी में इजाफा हो रहा है उसको आप लोगों ने एक लिमिट तक रखना है कि वो लिमिट क्रॉस ना हो कि खुद इतमादी में ज़्यादी ना हो जाए सिर्फ इजाफे तक चीज़ें रहें ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ चीज़ें ना चाहें अजीज़ोकारी रिश्तेदार बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लिक बहुत खुश हैं लेकिन अगर आप उनके ऊपर अपनी चीज़ें इंपोज नहीं कर रहे हैं सफ़र अगर किसी भी खास मकसद के लिए कर रहे हैं तो वह आपके लिए काफ़ी हद तक इन शाला मत रहेगा इसके साथ साथ आप लोगों की ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि रिसेंटली आप लोगों ने की हैं वहीकल में प्रॉपर्टी में एग्रीकल्चर की फील्ड में ऐसी इन्वेस्टमेंट्स आपको भरपूर फ़ायदा दिलाती हुई नज़र आती हैं खानगी माहौल में जो हासदीन की वजह से प्रॉब्लम्स हैं हासदीन की वजह से जो छोटी छोटी नोक चोक चल रही है उसकी आप लोग बड़ी खूबसूरती के साथ हदबंदी करते हुए नजर आएंगे अपने ख़ानगी माहौल में खुशबख्ती लेके आते हुए नजर आते हैं लेकिन फिर भी इस चीज़ को आप लोगों ने जहन नशीन रखना है कि जहाँ पे हासिदीन की आप लोग हदबंदी कर रहे हैं जहाँ पे आप लोग हासिदीन को रोक रहे हैं कि वो आपके फैमिली मेम्बर्स और आपके मबैन कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें आपके फैमिली माहौल में तनाव खिंचाव की तरफ वो इस ना लेके जाएँ तो ये चीज़ जहाँ पर आप उनकी रोक रहे हैं रोकने के बावजूद भी कुछ ना कुछ चीज़ें उनकी तरफ से हो सकती हैं इस चीज़ को आप लोगों ने दोबारा से ए, एक जहन नशीन रखना है कि रोकने के बाद भी आपने परसू लाजमी करना है कि दोबारा से अगर चीज़ें हो रही हैं तो उसको फौरी तौर तो के ऊपर क्लैरिफाई किया जाए आपने बिल्कुल भी आराम से ये चीज सोच कर नहीं बैठ जाना कि आपने एक दफ़ा उनकी हदबंदी कर दी दोबारा से चीज़ें नहीं होंगी ऐसा कतन नहीं है दोबारा से भी हास्दी कोशिश कर सकते हैं दोबारा से भी हाँ दिन रेशा दवाियाँ कर सकते हैं कि प्रॉब्लम आपके खानगी माहौल में की जाएँ तो उसको आपको बार बार रोकने की ज़रूरत रहेगी तो इस चीज़ को आपको बार बार थोड़ा सा चेक करना है इसके साथ साथ आप लोगों की ऐसे मामला जो कि रोमानवी जिंदगी के लिहाज से वो आपके लिए काफ़ी हद हाँ तक खुशबक़्त नज़र आते हैं इवन अगर किसी को शादी का पैगाम भिजवाना हो इजहार मोहब्बत करनी हो मोहब्बत को शादी पर मनतहा करना हो कोशिश करने से उसमें भरपूर कामयाबी आपको इन शाला मिल पाएगी और अगर आप लोग साहिब औलाद हैं औलाद आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इन शह खुश वक्त नजर आती है औलाद की सोच और उसके साथ वक्त गुजारना आपको जहनी तौर के ऊपर वो पुरसकून कैफियत दिलाएगा जो कि हकीकी मायनों में आपको इस हफ्ते में चाहिए ताकि आप लोग अपनी दूसरों के ऊपर चीज़ों को इम्पोज़ करने से खुद को रोक सकें तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज़्यादा वक्त और ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तु और चीज़ों की शेयरिंग अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद के साथ हो या जिस पर से मोहब्बत कर रहे हैं उसके साथ चीज़ों को लाजमी तौर के ऊपर शेयर करते रहें ताकि आपकी कैफ़ियत में मिबत पहलू जागर हो, इसके साथ साथ ही पूरा हफ़्ता आप लोगों के फिजिकल हेल्थ वाइज चीज़ें काफ़ी हद तक खुशबकत हैं कुछ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हेल्थ वाइज़ इन शाला नहीं रहेंगी और इसके अलावा आप लोगों की इस दवाजी खुशहाली में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लमहत शामिल होते हुए नज़र आते हैं शर्क हयात की तरफ से आपको बहुत अच्छे फीडबैक रिस्पॉन्स मावनत हर लिहाज में मिलता हुआ नज़र आता है जो कि आपके इस दवाजी ज़िंदगी में हकीकी मायने में खुशियाँ भी दिला सकता है इसके अलावा ऐसे तमाम शायक लोग जो कि अपनी शादी के लिहाज से कोशा हैं इवन अकदानी के लिहाज से आप लोग कोशा हैं तो कोशिश करने से आप लोगों को इस हफ्ते में इस खुशी में भी कोई अच्छा इजाफा देखने को नसीब होगा कार के साथ भी आप लोग चीज़ें अगर शेयर कर रहे हैं अपने अगले आने वाले दिनों में चीज़ों को मैनेज करने के लिए तो शरीककार का भी काबन आपके साथ बहुत खूबसूरत नज़र आता है विरासती प्रॉब्लम को समेटने के लिए यह पूरा हफ्ता इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है विरासती मैरिट्स को अगले वीक में या ग्रहण के बाद वाले हफ्ते में ले जाए तो ज्यादा मुनासिब रहेगा विरासती प्रॉब्लम्स को अभी फिलहाल रोक लेना आपके लिए ज्यादा मुनासिब है इसके साथ साथ मजहब रूहानियत फलाही कामों की तरफ आपकी जो दिलचस्पी है उससे आपके हल्का अहबाब में वसत होगी कुछ ऐसे नए लोग आपके साथ मिलते हुए नजर आते हैं जो कि आपके फलाही कामों में आपको हेल्प आउट कर सकते हैं जो कि आपके रूहानी और मजहबी कामों में आपको अच्छे आइडियाज़ दे सकते हैं मावनत दे सकते हैं तो दल तो आपके सोशल लिंक्स ग्रो हो रहे हैं और वो हो रहे हैं आपके सोशल लिंक्स ग्रो आपके रूहानी और मजबी कामों में फलाही कामों में दिलचस्पी की वजह से इसके साथ साथ ये पूरा वीक आप लोगों के लिए इज़्ज़त बकारार रुतबा और करियर में इजाफा और बहाली के लिए बड़ा खूबसूरत है हो सकता है कि आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए अपने बिजनेस या अपने करियर की ग्रोथ के लिए और उस अपॉर्चुनिटी को आपको संभाल के रखने की ज़रूरत है ताकि अगले हफ्ते आप फाइनली तौर के बड़ी चीज़ों को गो थ्रू कर पाए इस पूरे हफ्ते में बेसिकली आप लोग जो अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन हंसबे तो फिर किसी भी लाल रंग की चीज़ का वेरी गुड गुडम बड़ी शिमला के जो लोग हैं बेसिकली ये पूरा हफ़्ता अगर हम लोग देखें तो आपके लिए मज़हब रूहानियत फलाही काम दूसरों की मदद करने का जज्बा और किसी न किसी तौर के ऊपर रूहानियत की तरफ आपका रुझान मज़हब की तरफ आपका रुझान बहुत ज़्यादा डेवलप होता हुआ नज़र आता है ये पूरा वीक आपका ज़्यादातर इन्हीं कामों में सर्फ हो जाएगा और इसका फीडबैक भी आपको डेफिनेटली तौर के ऊपर मिलेगा इज्जत वकार रुतबे में बढ़ावे की सूरत में दूसरों के साथ अच्छे रवाबत की सूरत में दूसरों के अमली मावनत की सूरत में और इसके साथ साथ इसका अजर ववाब जो है वो आपकी अमली ज़िंदगी में रूहानी खुशियों की तरफ भी शामिल हाल रहेगा क्योंकि ये पूरा हफ़्ता आप लोगों के लिए खानगी खुशहाली आप लोगों के लिए कॉन्फिडेंस की बहाली अजीज़ वकारीब रिश्तेदार बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लिक की खूबसूरती आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सलूशनस और इसके साथ साथ अजदवाजी ज़िंदगी में खुशबी का आना है रोमानवी जिंदगी में क्लैश का ख़त्म होना हकीकत का शिकार होना और रिश्ते में मजीद और ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच का आ जाना आपके लिए हकीकी मायने में इस हफ्ते की वो खुशबियाँ हैं जो कि शायद पिछले हफ्ते में आपको नहीं मिल पाए ये पूरा हफ़्ता आप लोग जो बेसिकली दूसरों की मदद का जज्बा लिए हुए शुरू कर रहे हैं आप लोग फलाही कामों में इंटरेस्ट लेते हुए ये हफ़्ते को शुरू कर रहे हैं आप अपनी इबादत वजाइफ रियासत में मजीद और ज़्यादा वक्त स्पेंड कर रहे हैं आप किसी न किसी तौर के ऊपर कुछ छोटी सी ऐसी अदबी महफिल या कोई ऐसी कुरानी रूहानी महफिल का भी इनका कर सकते हैं जो कि आपके अंदर कुछ ऐसी ख्वाहिशात जो कि काफ़ी अरसे से रूहानी तौर तो के ऊपर उजागर तो थीं लेकिन पूरी नहीं हो पा रही थीं असल में ये पूरा हफ्ता बेसिकली आपके रूहानी मशागल को पूरा करना रूहानी ख्वाहिशात को पूरा करने का है और यही फ़ायदा आपको सोशल लिंक्स के डेवलप करने में भी देगा कि आपकी ज़िंदगी में कुछ मजहबी रूहानी लोगों की शमूलियत हो सकती है चूंकि अगले आने वाले दिनों में आपकी ज़िंदगी में कुछ नई राहों का तयन कुछ नए तखील नए ख्याल का तयन और आपकी सोच की पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग और इसके साथ साथ मिसबत पहलुओं का इजरा होना हफ़्ता आपकी आने वाली जिंदगी में एक मुस्बत चेंज लेके आएगा आपकी पर्सनालिटी में आपके हालात में आपके सोचने समझने के अंदाज में तो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशबी का हामल है ईद की खुशियां अपनी जगह लेकिन आपकी ज़िंदगी में जो रूहानी खुश आ रही है असल चीज़ आपके लिए इस पूरे हफ्ते की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है नसीब यावरी होने जा रहा है तो रुके हुए कामों की इब्तदा होना प्रॉब्लम्स मसाइल चाहे वो विरासती हों होंटिगेशन के हों चाहे वो ऐसे हों जो कि जहनी तौर के ऊपर आपको डिप्रेशन की तरफ उलझाए हुए हैं ऐसे तमाम प्रॉब्लम्स भी आप कोशिश करने से सुलझाते हुए नज़र आएंगे क्योंकि बेसिकली ये हफ़्ता आप लोगों के नसीब के यावरी का हफ़्ता है जब नसीब में यावरी हो रही है तो बहुत सारी प्रॉब्लम सोलूशन आपके सुलझने जा रहे हैं आमदनी के लिहाज से ये पूरा हफ़्ता आपके लिए काफ़ी खुश है कि फाइनेंशियली तौर तो के ऊपर काफ़ी हद तक बेनिफिट्स आपको मिल पाएंगे माली लिहाज से कुछ इतनी ज़्यादा तंगी नज़र नहीं आती इवन आप फाइनेंशियली तौर तो के ऊपर फलाही कामों में जो सर्व कर रहे हैं उसका इन रिटर्न आपको बड़ी खूबसूरत तरीके से इंशाल्लाह मिल पाएगा कॉन्फिडेंस लेवल की बहाली अजीज़ वारेब रिश्तेदार बहन भाइयों के साथ हास्दीन की वजह से जो इक्लाफात चल रहे हैं और हास्दीन की लगाई हुई आग जो पिछले हफ्ते तक आप बुझा नहीं पा रहे थे इस हफ़्ते में आप अपने जीजो कार्य रिश्तेदार और बहन भाइयों के साथ अपने तल्लत को काफ़ी हद तक इन शाला खुश बना लेंगे इसके अलावा ये पूरा हफ़्ता ख़ानगी माहौल के अतबार से बड़ा खूबसूरत है कि फैमिली मेबर्स के साथ आपके ताल्लक़ अख्ताफात की सूरत में जो चल रहे थे आप या उनकी फरमाइशें पूरी नहीं कर रहे थे या वो आपकी बात अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे तो ये कैफियत भी ख़त्म होती हुई नजर आती है और ख़ानगी माहौल में खुशबी नजर आएगी वालदा की सेहत के बारे में आप लोग जो फिक्रमंद थे वो फ़िक्रमंदी भी इन खत्म होगी तो ये पूरा वीक ओवरऑल ख़ानगी तौर के ऊपर खुशहाली का हफ्ता है इसके साथ साथ अगर तो आप लोग रोमानवी मामला चल रहे हैं तो मामलात महब्बत के लिहाज से यह पूरा हफ्ता बहुत खूबसूरत है कि जिस फर्क के साथ आप मुहबत कर रहे हैं उसके मिजाज में और उसके सोच में मस्बत पहलू उजागर हो सकेंगे ख़्वा ख़्यालों की दुनियाओं से बाहर निकलता हुआ वो शख्स हकीकत की सोच अपनाते हुए आपके माइंड की फ्रिक्वेंसी के साथ चीज़ों को मैच करता हुआ नज़र आता है जिसकी वजह से मामलात मोहब्बत में खुशबी आ सकेगी अगर आप लोग साहिब औलाद हैं औलाद आपकी बात को समझ नहीं पा रही थी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी तो ये हफ़्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत है कि औलाद आपकी बात को समझेगी भी अंडरस्टैंड भी करेगी और आपकी फरमा बर्दारी करते हुए आपको जहनी दौर के ऊपर राहत भी दिलाएगी इसके साथ साथ ये पूरा वीक आपके फिजिकल हेल्थ वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेहत या भी जो नसीब होने जा रही है वो आपके बहुत सारे रुके हुए काम बहुत सारे पेंडिंग कामों में इनशाला बहाली दिला सकेगी इसके अलावा आप लोगों की इस जिंदगी में छोटी छोटी प्रॉब्लम मजल या आपके शरीक हयात की सोच की हसासीत या सोच के मनफी रुझाना की वजह से आपकी अजदवाजी ज़िंदगी प्रॉब्लम्स का शिकार थी तो ये हफ्ता काफ़ी हद तक पॉजिटिव है कि आप के हाथ को इस बात के ऊपर कायल करने में कामयाब नज़र आते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर लिया जाए और उसके मिजाज या सोच में जो ख़दशात या वहम हैं वो सिर्फ वहम है उसका हकीकत में कुछ नहीं है तो इस चीज़ के ऊपर जब शर्क हाथ को कायल करते हुए नज़र आते हैं तो आपकी इसदवाजी ज़िंदगी में खुशहाली दोबारा से बहाल होगी इसके साथ साथ ये पूरा ही हफ़्ता आप लोग अगर कोई विरासती प्रॉब्लम सुलझाना चाह रहे हैं कोई विरासती मामला को सुलझाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इज्जत वकार और रुतबे की बहाली नज़र आती है कि दूसरे जो फ्री कैन हैं वो आपकी बात के ऊपर कायल नज़र आएंगे और आपके रुतबे में इजाफा होगा इसके साथ साथ ये पूरा ही वीक बेसिकली इज्जत वकार रुतबे की बहाली आपके इखलाकी तौर पे आपके रिलेशन में भी है और आपका सोशल लिंक्स के हवाले से भी है तो बेसिकली ये पूरा हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक मिसबत वीक है रूहानी लिहाज से भी दुनियावी लिहाज से भी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सोलूशन के अतबार से भी इसके साथ साथ आपकी अगर हम लोग सोशल लिंक्स को देखते हैं फ्रेंड्स के साथ आपकी तवक़ात को देखते हैं तो सिर्फ एक पहला जो दिन है हफ़्ते का पहला जो दिन है सोमवार का दिन उसको थोड़ा सा आप लोगों ने इग्नोर करना है अपने सोशल लिंक्स के अतबार से बाकी पूरा हफ़्ता आपके लिए काफ़ी हद हाँ तक खूबसूरत है कि सोशल लिंक से आपकी जितनी भी एक्सपेक्टेशन हैं वो इन शाला पूरी हो जाएंगी इस पूरे वीक में जो आप लोग बेसिकली अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा हफ्ते वाले दिन हंसब तफिक तो किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का लिब्रा बुर्ज मैजान बुरज मैजान के हाँ जो लोग हैं बेसिकली ये पूरा हफ़्ता अगर हम लोग देखें तो आप लोगों के लिए सबसे जो इम्पोटेंट चीज़ है इस पूरे वीक की वो है आप लोगों की क़ुत फैसला डिसीजन मेकिंग आपकी इम्प्रूव होनी चाहिए क्योंकि कुत फ़ैसला आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा पायदार नज़र नहीं आती तो जब डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव नहीं है तो तभी आपके हर काम में रुकावट प्रॉब्लम मसाइल मुश्किल रहती हुई नज़र आती हैं अगर आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर ओवरकम कर लिया आप लोगों ने अपनी इस चीज़ को अगर संभाल लिया कि आप जो फैसला कर रहे हैं जो इकदाम कर रहे हैं जो सोच रहे हैं एक दफ़ा मुखलिस अहबाब के साथ मशवा करें इसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी में जिसको भी आप समझते हैं आपके बुज़ुर्ग हैं आपके बड़े हैं आपके बहन भाई हैं आपके दोस्त हैं जो भी आपका मुखलिस फ़र्द है उसके साथ मशवरा करें और उसके बाद एक दफ़ा हालात को मुकम्मल परखें मुकम्मल कशी करने के बाद फिर ही कोई फैसला करें तो आपके लिए ज़्यादा मुनासिब और मजबूत रहेगा इस अमल से आप लोग अपनी ज़िंदगी के हर प्रॉब्लम को बड़ी खूबसूरती के साथ सॉर्ट आउट कर सकते हैं इस पूरे हफ़्ते में आने वाली हर्डल्स मुश्किल कामों में अल्तवा हर्डल्स हर चीज़ को आप लोग ओवरकम कर सकते हैं सिर्फ इस रेमेडी से कि आप लोगों ने जो भी फ़ैसला करना है हालात की मुकम्मल तस्वीर कशी करनी है उसके बाद और उसके अलावा किसी अच्छे फर्ड से मशवरा करना है उसके बाद चीज़ों को फाइनलाइज करके गो थ्रू करें इन श्रा आपके लिए पूरा वीक काफ़ी हद तक खुश रहेगा इसके साथ साथ ही पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस वीक में रहेगी वो है थोड़ी सी अखराजात को मैनेज करना अखराजात आपके लिए प्रॉब्लमिक रहते हुए नजर आते हैं और अखराजात ही आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का भी बाइस साबित होंगे तो जब अखराजात आप मैनेज कर रहे हैं बला वजह की फजूल खर्ची नहीं हो रही और नाघानी अखराजात भी अगर आ रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ सेविंग्स मौजूद हैं तो फिर आपको कतई तौर के ऊपर जहनी तौर पर डिप्रेशन परेशानी फाइनेंशियल मैरट्स में नहीं होगी सिर्फ जरूरत इस अमर की है कि आप लोगों ने फाइनेंशियल मैरिट्स को शॉर्ट आउट करने के लिए प्लानिंग्स मुरतब रखनी है अखराजात को समेटना है और प्लानिंग्स मुरतब रखनी है ताकि फैनैशली तौर के कतई तौर पर कोई डिप्रेशन परेशानी वाली कैफियत इस पूरे हफ्ते में आप लोगों को फेस नहीं करनी पड़ेगी इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता कॉन्फिडेंस लेवल के लिहाज से बहुत खूबसूरत है आप लोगों के अजीज़ों का रिश्तेदार बहन भाइयों के साथ आपके तालुक़ात मोहब्बत के लिहाज से बड़े खुशबक़्त नज़र आते हैं आपके सोशल लिंक्स डेवेलप होते हुए नज़र आते हैं और कुछ आपके हल्का एहबाब में मजहबी और रूहानी अफराद की भी शमूलियत नज़र आती है चूंकि बेसिकली आप लोगों के लिए बड़ी खुश होगी इसके साथ साथ आपकी ऐसी ख्वाहिशात जो कि काफ़ी अर्सा से पेंडिंग चली आ रही है। काफी दू हैं काफ़ी अर्सा से डेव हैं दूसरों की तरफ से और वो पूरी नहीं हो पा रही ये हफ्ता आपके लिए बड़ा खुशब है कि आप लोग अगर दूसरों के साथ तकाजा करते हैं या उनके साथ मिल के अपनी ऐसी ख्वाहिशात को पूरा करने में कुछ प्लानिंग्स मुरतब देते हैं तो आपको काफ़ी हद तक इन रूहानी तौर के ऊपर खुशी और तस्किन महसूस होगी खानगी माहौल आपका देखा जाए तो बेसिकली आपके फैमिली मेबर तो आपकी जो अप्रोच होगी जो रिलेशन होंगी वो थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच के ऊपर बुनियाद करता है, थोड़ा सा हकीकत पसंदी के ऊपर बुनियाद करते हुए नजर आते हैं अगर तो आप उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी या उनकी ऐसे काम जो कि आपकी ज़ात से मंसूब हैं या ऐसी फरमाइशें जो कि आपकी ज़ात के ऊपर आयद होती हैं वो आप पूरी कर रहे हैं तब तो आपके हालात ख़ान के लिहाज से बड़े खुशगवार हैं लेकिन अगर आप उनकी बात भी नहीं सुन रहे चीज़ें निकलेक्ट कर रहे हैं आप उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहे या आप उनको इस चीज़ का एहसास नहीं दिला रहे कि उनकी ज़ात आपके लिए बहुत अहम है अगर ये एहसास भी नहीं दिला रहे और काम भी नहीं कर रहे तो फिर आपके जितने भी फैमिली मैरस हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं आपके खानगी अफराद के साथ मामला अख्ताफ कीख्तियार कर सकते हैं नाराज़गी का सिलसिला शुरू हो सकता है और इस चीज़ को अगर आप रोकना चाहते हैं तो वो चीज़ें जो आप कर सकते हैं उनको कर दें जो चीज़ आप नहीं कर सकते उसको इनकार मत करें और उनको इस चीज़ का भरपूर एहसास दिलाएं अपने अल्फाज से अपने एहसास से अपने वक्त के साथ कि आप या उनकी ज़ात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी ज़ात उनके बात उनकी सोच या उनकी ख्वाहिशात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर वो अभी पूरी नहीं हो रही तो अगले आने वाले वक्त में आप वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरी कर देंगे ये एहसास जब उनको आप दिला देंगे तो खान की माहौल में खुशगवारी रहेगी कतई तौर के ऊपर कोई अख्ताफात प्रॉब्लम हर्डल्स इंशाल्लाह नहीं होंगी रोमानवी जिंदगी की बात की जाए तो मामला मोहब्बत आपके लिए पूरे हफ़्ते में बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं क्योंकि पिछले हफ़्ते से ही बड़ी खूबसूरती नज़र आती है और इस हफ़्ते में मज़ीद और ज़्यादा काफ़ी हद तक चीज़ें निखरती हुई नज़र आती हैं तो मामला मोहब्बत काफ़ी हद तक इंशाल्लाह श्रा है कुछ खास इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है और आपका जो शर्क मोहब्बत का हम सफ़र है वो आपकी बात को अंडरस्टैंड करता हुआ नज़र आता है आपके मिजाज को समझता हुआ नज़र आता है जिसकी वजह से आपके मामला मोहब्बत में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स चल भी रही थी वो भी इनशाला ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप लोग साहिब औलाद हैं औलाद फर्माबरदारी का सबूत देती हुई नज़र आएगी और औलाद ही आपके लिए रूहानी खुशी का भी इन शाला बनेगी फ़िज़िकल हेल्थ आप लोगों के लिए काफ़ी हद हाँ तक इन मज़बूत है कतई तौर के ऊपर कोई इतना ज़्यादा सेहत से प्रॉब्लम आपको नज़र नहीं आते और अजदवाजी ज़िंदगी में जो खुशहाली है अज़दबाजी ज़िंदगी में खुशहाली भी है बरकत भी है लेकिन एक चीज़ जो कि आप लोगों को थोड़ा सा इस पूरे वीक में अंडरस्टैंड करना है कि आपका शरीक कार जिसके साथ आप मिलकर काम करते हैं पार्टनरशिप की बुनियाद पर या तो उसकी कुछ ऐसी फरमाइशें आ सकती हैं या फिर आपका जो शरीक हयात है, है उसकी कुछ ऐसी सोच या फरमाइशें या कुछ ऐसे काम आ सकते हैं आपकी के ऊपर कि आपको इस पूरे वीक में उनको अंजाम देना हद दर्जे ज़रूरी होगा ना सिर्फ उन काम को अंजाम देना बल्कि इस चीज़ का उनको बराबर करवाना कि आप उनकी बात को अहमियत दे रहे हैं उनकी पर्सनालिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है तो ये पूरा हफ़्ता बेसिकली अपने रिलेशंस को पॉजिटिव रखने के लिए उनकी पर्सनालिटी, उनकी ज़ात और उनकी रिस्पेक्ट का एहतराम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा तो ये पूरा हफ़्ता आपके लिए खुशबक़्त होगा अजतवाजी खुशहाली तो नज़र आती है लेकिन शर्क हयात की सोच में थोड़ा सा हाकमाना तबीयत है और अगर चीज़ों को आप तस्लीम कर लें मन तो काफ़ी हद तक इन शवाजी खुशहाली आपके लिए मुबारक रहेगी और आपको कतई तौर पर इतनी कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी विरासती प्रॉब्लम्स कोशिश करने से शॉर्ट आउट होती हुई नज़र आती हैं और बड़ी मोहब्बत के साथ शॉर्ट आउट होंगी इवन जो हासदित लोग हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं आपके विरासती मामलों में आप उनकी बड़ी खूबसूरती के साथ हदबंदी करते हुए नजर आते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है कि विरासती प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना चाहें तो आप लोग खुश इसलूबे के साथ उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं इसके अलावा आप लोगों के ऐसे मामला जो कि बेसिकली सोशल लिंक्स के अतबार से हैं दूसरों की मदद करने के एतबार से हैं या दोस्त अहबाब के साथ आपके रवाबत हैं तो उनमें भैंसो तकरार से आपको हद दर्जे गुरेज़ करना है क्योंकि भहसो तकरार बिला वजह की प्रॉब्लम्स लेके आ सकती हैं या फिर आप लोगों के ऐसे मामला जो कि सोशल लिंक्स के अबार से हैं दोस्तों के साथ कोई आपका प्रोग्राम है कोई सेटिंग है गैदरिंग है तो उसमें भी अगर कोई ऐसी बात हो जाती है जो कि आपके मिजाज के बरखिलाफ़ है उसमें आपको चीज़ों को इग्नोर करना है दरगुजर करना है अदरवाइज आपके बला वजह प्रॉब्लम हो सकते हैं फ्रेंड्स के साथ बहस व तकरार तूल पकड़ सकती है और इसको रोकने की अशद जरूरत है अदरवाइज सोशल लिंक्स आपके डिस्टर्ब होंगे इज्जत वकार रुतबे की बात की जाए तो बेसिकली आपके इस वीक के जो पहले तीन दिन हैं इस लिहाज से थोड़ा सा एहतियात कन है स्पेशली जो जिनसे से मुखालिफ के अफराद हैं वो आपके लिए थोड़ा सा किसी ना किसी तौर पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं यहां पर दूसरे अफराद से जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पहले तीन दिनों में पूरी होती हुई नजर नहीं आती लेकिन पहले तीन दिन अगर आप खामोशी से उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट करते चले जाएंगे और उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करेंगे तो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर वेनस्डे के बाद से तो आपके लिए चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी रिस्पेक्ट वाइज इस पूरे हफ़्ते का जो बेसिकली आप लोग अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हसब तफी गंदम यहाँ बाज़ स्कॉर्पिय बुढ़झ बुर्जा के हाँ जो लोग हैं बेसिकली आप लोगों को ये पूरा ही हफ़्ता अपने ख्याल को थोड़ा सा समेटने की अशरद जरूरत है क्योंकि ख्याल थोड़े से डिस्टॉट नज़र आते हैं बला वजह कि ऐसी सोचें जो कि आपके लिए सही नहीं हैं आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए आपके अपनी ज़ात के लिए अपने ख़ानगी माहौल के लिए आपके रिस्पेक्ट इज़्ज़त फेम के लिए आपके फिनंशल मैरिट्स के लिए कतई तौर के ऊपर वो चीज़ें सही नहीं हैं तो ऐसी सोचों को आपको रोक लेना ज़्यादा मुनासब है क्योंकि आप लोगों की डिसीजन मेकिंग इतनी पॉजिटिव नहीं है और जज्बातीपन में जल्दबाजी में कमज़ोर फैसले हो सकते हैं या वक्त का ज़्याँ हो सकता है सुस्ती काहली चीज़ों को डिले करना बिल्कुल लास्ट टाइम के ऊपर ले जा के फिर उनको अंजाम देना यह तमाम तर वो चीज़ें हैं जिनको आपको इस पूरे ही हफ्ते में सोचना है और बेहतर करने की अशर ज़रूरत है डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाने के लिए आप लोगों अपने को अपने मुखलसन को थोड़ा सा कैटेगराइज़ कर लें कौन सा फ़र्द आपके साथ मुख्यस है और कौन सा फ़र्द आपके साथ माजी में मुखलस नहीं था लोगों को कैटेगराइज करें और उन कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंगली ही चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करें डिस्कस करें हर फर्द आपके लिए काबिल अतमाद नहीं होगा हर फर्द आपके लिए काबिल भरोसा नहीं होगा हर फर्द आपके लिए उतना ट्रस्ट नहीं है कि आप अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स में भी उनसे डिस्कस करें चीज़ें चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो चाहे वो आपको बहुत करीबी कोई अजीज ही क्यों ना हो चाहे वो आपका कोई बहुत पुराना दोस्त ही क्यों ना हो आप लोगों ने लोगों को कैटेगराइज करना है और उनके माजी को नज़र सामने रखते हुए फिर आप लोगों ने अपनी चीज़ों को शेयर करना है कोशिश करें कि अपनी सोच अपने मिजाज अपनी आदात अपनी बातें इनको थोड़ा सा महदूद ही रखें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा क्योंकि लिमिटेशन में चीज़ें रखेंगे तो आपके लिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आर एक नहीं है अपनी सोचों को वहम वसवसों को अपने ख्वाबों को अपनी ख्वाहिशों को अपनी आदात को बहुत ज़्यादा अगर फैला लेंगे बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स रह सकते हैं आमदनी के लिहाज से चीज़ें देखी जाए तो कुछ खास इतनी प्रॉब्लम नहीं है आपको जब वो जितने की जरूरत होगी अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से असबाव मुहैया करेगा कि आपकी वो जरूरियात पूरी इंशाल्लाह हो जाएंगी आमदनी के लिहाज से ये वीक आपके लिए कुछ इतना ज्यादा प्रॉब्लम आरिक नहीं है बेशक लॉकडाउन है घर में है काम नहीं हो रहा लेकिन फिर भी फाइनेंशियली मैरिट के लिहाज से चीजें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आरिक नहीं होंगी इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का इंप्रूव हो रहा है खुद इतमादी बढ़ रही है पॉइंट ऑफ एक्सप्रेशन क्लियर हो रहा है आप जो बात दूसरों से पहले कह नहीं पाते थे सोचते रहते थे झिझक बहुत ज़्यादा थी आप उसको कम करते चले जा रहे हैं डे बाय डे और पॉइंट ऑफ एक्सप्रेशन आपका जब बढ़ रहा है तो कॉन्फिडेंस लेवल में भी बेहतरी आ रही है सफ़र के बारे में आप लोग सोचते हुए नजर आएंगे सफ़र भी कर रहे हैं किसी ख़ास बुनियाद के ऊपर ख़ास मकसद के ऊपर और जो सफ़र कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए वसीला ज़फ़र इंशाल्लाह साबित होगा इसके साथ साथ ये पूरा ही वीक आपका अजीज़ों का रिश्तेदार और बहन भाइयों के साथ भी ताल्लत को खूबसूरत बनाने का है निखारने का है तजदीद का है मामला में बेहतरी लेके आने का है गलत फहमियों का इज़ाले का है खदशात को दूर करने का है तो ये पूरा वीक आपके रिलेशनशिप वाइज काफ़ी हद तक इन शाला नज़र आता है इसके साथ साथ ये पूरा ही भी खानगी लिहाज से बड़ा खूबसूरत है वालदा की सेहत या भी फैमिली मेम्बर्स के साथ आपकी मावनत उनकी तरफ से आपको किसी न किसी तौर के ऊपर सपोर्ट चाहे माली हो या इखलाकी हो उनका वक्त हो या फिर पर्सनली तौर के ऊपर ख़ुद उनकी मावनत हो हर तरह की सपोर्ट आपको फैमिली मेबर्स की तरफ से रहती हुई नज़र आती है जो कि खानगी माहौल में खुशबी लेके आएगी खानगी माहौल में मस्बत पहलू उजागर करेगी इसके साथ साथ ये पूरा ही हफ्ता आपकी रोमानवी जिंदगी के लिहाज से भी बड़ा खूबसूरत है कि मामलाते मोहब्बत में जो बड़ी पुरसकून कैफियत चल रही थी पिछले हफ्ते तक कुछ चीज़ें थी रही नहीं थी लेकिन ये वीक बहुत अहमियत का हामिल है कि जिस फर्द से हम मोहब्बत कर रहे हैं उस फर्द की सोच में थोड़ी सी सेंसिटिव नज़र आती है थोड़ी सी हसासीत नज़र आती है और ये हसासीत आपकी रोमानवी जिंदगी में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा सकती है तो कोशिश करें कि इस हसासीत को आप लोग इब्तदा से ही कंट्रोल कर लें अगर ये हसासीत बढ़ गई तो फिर रोमानवी जिंदगी में ना ही इस हफ़्ते और ना ही अगले हफ़्ते कुछ ख़ास आपको इतना सुकून नसीब होगा हसासीियत को शुरू से ही कंट्रोल कर लेना ज़्यादा मुनासिब है अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद के फजूल मशागल को कंट्रोल करना और औलाद को थोड़ा सा पबंद बनाना बड़ा अशद ज़रूरी रहेगा और उसके ऊपर इसी हफ्ते से वर्किंग शुरू कर दें आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वर्किंग शुरू कर दें अदरवाइज आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है फिजिकल हेल्थ की बात की जाए तो सेहत जस्मानी आपके लिए काफ़ी हद तक इन शाला इम्प्रूव है फिज़िकल हेल्थ में कुछ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आती बल्कि आप लोगों के ऐसे मामला जो कि पार्टनरशिप के, के लिहाज से हैं शरीक कार के साथ आपकी कॉल के ऊपर गुफ्तगु आपकी मीटिंग्स बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आती हैं क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स बड़े डेवलप हैं आपके शरीक कार के भी और जो चीज़ वो आपको कन्विंस करना चाह रहा है जो वो चीज़ आपको समझाना चाह रहा है अगर उसको आराम से सुकून से आप लोग सोचेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कार हैं और वो पार्टनरशिप के हवाले से आपके लिए मज़बत नज़र आते हैं तो चीज़ों को फ़ाइनलाइज़ करने से पहले मौखले साहब आपके साथ एक दफ़ा लाजमी चीज़ों को शेयर करें अजदवाजी ज़िंदगी में खुशहाली नज़र आती है अज्दवाजी ज़िंदगी में खुशहाली के साथ साथ काफ़ी हद तक बरकत चीज़ें भी शामिल हाल हो पाएंगी कि आपका शरीक हयात आपकी बात को अंडरस्टैंड करता हुआ नजर आता है समझता हुआ नजर आता है आपको ना सिर्फ मॉरली तौर के सपोर्ट करेगा बल्कि आपको फाइनेंशली तौर के ऊपर भी किसी ना किसी तरह अच्छे तौर के ऊपर आइडियाज़ भी दे सकता है या फिर खुद भी फाइनेशली तौर पर आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आता है जिसकी वजह से अजदवाजी जिंदगी में खुशहाली यकीनी होगी अजदवाजी ज़िंदगी में कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होने से और गलत फहमियाँ ख़त्म होने से आपका बातचीत का और मोहब्बत का अमल मजीद और ज़्यादा पुख्ता होगा विरासती मामला को देखा जाए तो विरासती मामला के लिए हफ्ता इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है विरासती प्रॉब्लम्स को आप लोग अगले हफ्ते या फिर ग्रहण के बाद तक उठा रखें तो ज्यादा मुनासिब है क्योंकि इस हफ्ते में विरासती प्रॉब्लम्स अगर आप लोग सॉर्ट आउट करने की तरफ बढ़ेंगे तो सिवाए बहसोत करार और लड़ाई झगड़े के कुछ हासिल नहीं होगा यह बुरा वीक बेसिकली आप लोगों के लिए दो दिन मंगल और बुध इन दो दिनों के लिहाज से एहतियात तलब इस तरह है कि बेसिकली आप लोगों के ऐसे मशागल जो कि सोशल लिंक्स हैं फ्रेंड्स के सर्कल के लिहाज हैं या फिर आप लोग को फलाही कामों में अपनी दिलचस्पियां बहुत ज्यादा जाहिर कर रहे हैं तो मंगल और बुध ये दो दिन ऐसे हैं जिसमें आपके किए गए काम या दूसरों के साथ की गई एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो तो आप लोगों ने मायूस नहीं होना चीज़ों को थोड़ा सा लटको करते हैं ज़्यादा मुनासिब रहेगा इज्जत वकार करियर रुतबे की बात की जाए तो चीज़ें काफ़ी हद हाँ तक खुशबक़्त हैं लेकिन आप लोग करियर को बढ़ाना चाहते हैं कोई नए तजर्बा करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा रुक जाना और अगले हफ़्ते का इंतज़ार करना ज़्यादा मुनासिब है नए तजर्बात या नई प्लानिंग या नई सोच अपने करियर के अतबार से इस हफ्ते इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है इस पूरे वीक में बेसिकली आप लोग जो अपना सदका देंगे वदका आप लोगों का रहेगा बुध वाले दिन हसब तफी तो किसी भी सब रंग की चीज़ का सेजिटेरियस बुरजेकॉस सजिटेरियस के हमें जो लोग हैं बेसिकली इस पूरे हफ्ते को अगर हम लोग एनालाइज कर रहे हैं तो इस पूरे ही हफ़्ते में आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक ज़हनी तौर के ऊपर राहत तो नज़र आती है लेकिन इस राहत को बरकरार रखना नजर बद के असरा को महफूज रखने के ऊपर मुनसर है नजर बद जो कि ऑन एंड ऑफ आपके ऊपर इस पूरे वीक में चल रही है जो कि पिछले हफ्ते का भी तसलस है और इस हफ्ते में भी नजर बद के असरा आपके ऊपर स्टिल मौजूद हैं तो इन असरात को ख़त्म करना अशद ज़रूरी रहेगा क्योंकि अगर ये असरात ख़त्म नहीं होते तो फिर आपका ओवर कॉन्फिडेंट होना आपकी सोच में मजबूत पहलुओं का उजागर होना खान माहौल में खुशबियाँ आना अजीज़ो कारब रिश्तेदार बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुक का पुख्ता होना यह तमाम चीज़ें जो हैं वो बेमायनी रहेंगी और तमाम चीज़ें सुलझने के बावजूद भी आपको रूहानी तौर के परनी तौर के पर वो सुकून नहीं मैसर होगा जो कि नज़र बद के, के ख़ात्मे के बाद होगा तो कोशिश करें कि इस पूरे हफ्ते में आप लोग कुरानी आयात के साथ साथ अपने नाम का इसमें आज़म का वर्त लाजमी तौर तो के ऊपर करें और इसके अलावा वक्ता फ़वकाता सदक भी ज़रूर दें ताकि आप लोग नज़र बद के मनफी असरा से महफूज रह सकें बाकी पूरा हफ़्ता अगर हम लोग एनालाइज़ करें तो आपके लिए जहनी तौर तो पर काफ़ी हद तक खुश नज़र आता है कि आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कॉन्फिडेंट हैं सफ़र का इरादा है और उसमें कामयाब भी नजर आते हैं और इसके साथ साथ आप लोग की ऐसी प्लानिंग जो कि ट्रैवलिंग के लिहाज से है उस प्लानिंग्स की बदौलत आप लोग जहनी तौर के ऊपर किसी, किसी, किसी तौर पे अपने आप को मज़बूत फ़ील करेंगे इसके साथ साथ अजीज़ों का रिश्तेदार बहन भाइयों के साथ आपके तल्क काफ़ी हद तक खूबसूरत नज़र आते हैं कि मामला तजदीद की तरफ जाएंगे गलत फहमियों का इज़ाला होगा किसी न किसी तौर पर जो उनकी तरफ से ज़्यादियाँ हुई हैं उसका एक्सक्यूज़ भी आता हुआ नज़र आता है सिर्फ ज़रूरत इस समर की है कि आपने खुले दिल से थोड़ा सा चीज़ों को तस्लीम करना है और उनको माफ़ कर देना है तो मामलातें ज़िंदगी आपके लिए बड़े खूबसूरत है छोटे बहन भाई हों या बड़े बहन भाई हों आपके साथ तल्लत बड़े खूबसूरत बनाते हुए नजर आते हैं फाइनेंशियली तौर तो के ऊपर आपके मामला देखे जाए तो आमदनी के लिहाज से कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ हमारे नहीं है फाइनेंशियली मैटर्स आपके लिए काफ़ी हद तक इन शुरुकून की कैफियत में रहेंगे कुछ ख़ास आपको अपनी आमदनी के लिहाज से डिप्रेशन या परेशानी लाख नहीं होगी फैमिली मेंबर्स के साथ आपके रवाबत देखे जाएं तो काफी खूबसूरत नजर आते हैं फैमिली मेंबर्स तो आपकी ख्वाहिशात का एहतराम कर सकते हैं आप उनके काम आते हुए नजर आते हैं तो ये गिव एंड टेक का सिलसिला आपके खानगी माहौल में काफी हद तक खुशबी इंशाला बहाल और बरकरार रखेगा इसके साथ अब वालदा की सेहत या भी आपको जहनी तौर के ऊपर सुकून मुहैया करेगी इसके अलावा आप लोगों के ऐसी ख्वाहिशात जो कि सवारी की तब्दीली से है या घर की थोड़ी सी डेकोरेशन को चेंज करने के लिहाज से है उसमें भी काफ़ी हद तक का आप लोग वक्त सर्फ करते हुए नज़र आते हैं जो कि इन मशागल में भी दिलचस्पी स्पेशली डेकोरेशन के लिहाज से जो मशागल हैं इनमें दिलचस्पी आपको जहनी तौर के पर काफ़ी हद तक इन शाला फ़्रेश रखेगी इसके अलावा रोमानवी जिंदगी में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम हर्ड्स मसाइल मुश्किल या दूसरे फरीक की तरफ से अपनी हाकमियत को जिताना अपनी बात को मनवाना अपनी थोड़ी सी प्रेफ्रेंस जो है वो शो करना चीज़ें जो चल रही थी ये माजी का हिस्सा होंगी इस हफ्ते में आपके रुमानवी मामला काफ़ी हद तक इन शाला पुरसकून कैफियत में रहेंगे खुशबक़्त रहेंगे कुछ ख़ास इतनी प्रॉब्लम्स जरूर नज़र नहीं आती और मामलात मोहब्बत आपके लिए ज़हनी दौर के पर इनशाला सुकून का बायस होंगे इसके अलावा अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद के जो रोज़ो शब हैं इनको थोड़ा सा आप लोग को तोज् देने की अश ज़रूरत है क्योंकि उनके रोज़ो शब और उनकी सोच के ऊपर अगर वर्किंग आपने नहीं की तो आपको अगले हफ्ते में प्रॉब्लम आ सकती हैं तो आपके पास अभी वक्त है कि आप लोग चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की पोजिशन पर नज़र आते हैं फिजिकल हेल्थ की बात की जाए तो फिजिकल हेल्थ काफ़ी हद तक आपकी इंप्रूवड है सिर्फ अगर आप अपने आप को थोड़ा सा मॉरली तौर पे लो फील करेंगे तो वो सिर्फ नज़र बद के सुरत की वजह से अदरवाइज़ फ़िजिकल हेल्थ में कुछ इतनी प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आती इसके अलावा दवाजी ज़िंदगी में चीज़ें देखी जाएँ तो इस दवाजी ज़िंदगी में थोड़ा सा चीज़ों का आप लोगों को प्यार मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग के साथ डेवलप या बेहतर करने की अशद जरूरत है क्योंकि शरीक हाथ के मिजाज में थोड़ी सी तेज़ी नज़र आती है और शरीक हाथ के नासिर मिजाज में तेज़ी नज़र आती है बल्कि उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी इतना पॉजिटिव नहीं है तो जब अंडरस्टैंडिंग लेवल पॉजिटिव नहीं होगा और मिजाज में तेज़ी होगी तो फिर अज्दवाजी ज़िंदगी में बिला वजह की बहस्तूल पकड़ सकती है और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं और कुछ ऐसी ही सूरत हाल आपको अपने शर्क कार के साथ भी अंजाम देने की अशद जरूरत है कि शर्क कार की तरफ से अगर कुछ चीज़ें आ रही हैं जो आपके मिजाज के बरखलाफ हैं तो आप लोग थोड़ा सा चीज़ों को या तो इग्नोर करें या थोड़ा सा चार पाँच दिन के लिए कट ऑफ कर लें और ईद के बाद चीज़ों को स्टार्ट करें तो ज़्यादा मुनासब रहेगा लेकिन जो इस ज़िंदगी की चीज़ें हैं उनको आपको कोशिश चाहिए कि थोड़ा सा प्यार मोहब्बत और चीज़ों को अंडस्टैंड करके समझाने या इवन किसी तीसरे फ़र्द को बीच में एड ऑन करके मामला को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो इस दवाई ज़िंदगी में चीज़ें कदरे सुधर जाएंगी विरासती प्रॉब्लम को तो देखा जाए तो ये पूरा ही हफ्ता विरासती मामला के सुलझाव के लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है तो विरासती मामला के सुलझाव के लिए चीज़ों को रोक लेना ज़्यादा मुनासब है अगले हफ्ते के ऊपर पोस्टपोन कर देना ज़्यादा मुनासिब और बेहतर रहेगा इसके साथ साथ ये पूरा ही वीक अगर हम लोग देखें तो मज़हब रूहानियत फलाही कामों में आपकी दिलचस्पी का बढ़ना और इसके साथ साथ नसीब में यावरी होना रुके हुए कामों का बहाल होना और इवन सोशल लिंक्स में किसी न किसी दौर के ऊपर बेहतरी आना गो कि आपकी दूसरों के साथ तो उतनी पूरी नहीं होनी जितनी आप उनकी पूरी कर रहे हैं लेकिन फिर भी हल्का है बाप आपके लिए सपोर्टिव रोल प्ले करेगा इज्जत वकार रुतबे में इजाफा देखने को मिलता है लेकिन अपने जाति बिजनेस या करियर में कुछ तब्दीली के बारे में सोच रहे हैं प्लानिंग्स कर रहे हैं तो उसके लिए ये हफ्ता इतना मुनासिब नहीं है प्लानिंग्स के लिए भी अगला हफ्ता ज़्यादा मुनासिब है और तब्दीलियों के लिए भी अगला ही हफ्ता ज़्यादा मुनासब है तो चीज़ों को स्टिल आप सिर्फ अपने ख़ानगी माहौल अपने फैमिली मेम्बर्स रिलेशनशिप के हवाले से चीज़ों को ज़्यादा टाइम दें तो आपके लिए ज़्यादा मुनासब रहेगा इस पूरे हफ़्ते में जो बेसिकली आप लोगों का सदका रहेगा वो सदका आप लोग देंगे मंगल वाले दिन हंसब तुफी किसी भी रेड कलर की चीज़ का कैप्रिकॉन बर्ज कैपिकॉनियन के हामल जो लोग हैं बेसिकली इस पूरे हफ़्ते को हम लोग एनालाइज करें तो आप लोग काफी हद तक रियलिस्टिक अप्रोच के हामल नज़र आते हैं में जो आपका बेसिकली सही नेचर है जो आपकी एन कुदरती फ़ितरत है आप लोग उसके ऊपर ये हफ्ता गुजारते हुए नज़र आते हैं दूसरों की नेगेटिविटीज को एब्जॉर्ब करना उनको अपनी ज़ात से कोई अच्छा फल देना दूसरों के लिए खिदमत का जज्बा रखना दूसरों के लिए किसी न किसी तौर तो के ऊपर चीज़ों को शॉट आउट करना यह तमाम तरह चीज़ें आपके मिजाज का खासा रहती हुई नज़र आती हैं लेकिन आपको थोड़ी सी तारीफ़ की अशद ज़रूरत रहेगी थोड़ी सी तारीफ की भी अशद जरूरत रहेगी और अगर आपके मिजाज के बरखिलाफ कोई चीज हो रही है या फिर आपकी तमाम तर अच्छाइयों के बावजूद भी अगर कोई नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है तो फिर जिद्दीपन और उसके खिलाफ डट जाना ये भी आपके मिजाज का खासा है तो बेसिकली अव्वल तो कोई इतनी प्रॉब्लम्स रहती हुई नजर नहीं आती लेकिन कुछ हासित किस्म के लोग आपके चाहे ना चाहे फिर भी आपके खानगी माहौल में प्रॉब्लम क्रिएट करना या फिर पर्सनली तौर के ऊपर आपको किसी ना किसी तौर पर टीज करना आपको मेंटली तौर पर इमोशनली तौर के ऊपर डिस्टर्ब करना इस चीज़ में किसी ना किसी तौर के ऊपर हास् की तरफ से प्रॉब्लम रहेंगी जिसको बेसिकली आप थोड़ा सा इग्नोर करें अवॉइड करें तो ज़्यादा मुनासब रहेगा क्योंकि मेनली आपका ये पूरा वीक बेसिकली दूसरों के लिए अच्छाई बांटने का हफ्ता है आप जिस घर में रह रहे हैं जिस माहौल में रह रहे हैं जिस माशरे में रह रहे हैं जिस मुल्क में रह रहे हैं अपनी ज़ात से अपनी पर्सनालिटी से आप किसी न किसी तौर के पर कुछ अच्छाई के इकदाम बांटते हुए नजर आते हैं कुछ अच्छे अलकाबात अच्छे अल्फाज दूसरों की मदद करने का जज्बा अमली तौर के ऊपर भी माली तौर के ऊपर भी इखलाकी तौर के ऊपर भी ये हफ्ता काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए मिसबत हफ्ता साबित होगा इसके साथ साथ आमदनी के लिहाज से चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हैं कुछ ख़ास इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमारी एक चीज़ें नहीं है माली तौर के ऊपर आपको जब और जितने की ज़रूरत होगी अल्लाह ताला आपको नवास्ता पर नजर आता है कुछ खास इतनी प्रॉब्लम आपको फाइनेंशियली तौर पर फेस नहीं करनी पड़ेंगी कॉन्फिडेंस लेवल वाइज चीज़ें आपकी बिल्डअप हो रही हैं खुद खुदातमी की बहाली हो रही है, है। अजीज़ों का रिश्तेदार बहन भाइयों के साथ आपकी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं और अगर उनकी तरफ आपका कोई कर्ज है कोशिश करने से या तकाजा करने से कर्ज की वापसी भी आपको रिलेशन की तरफ से मुमकिन तौर पर मिल पाएगी इसके साथ साथ अगर आप कोई किसी खास मकसद के तहत सफ़र का इरादा बनाए हुए हैं तो सफ़र भी आपकी आमदनी में इजाफे का सबब इन साबित होगा ख़ानगी माहौल की बात की जाए तो ख़ानगी माहौल में आपके जितने फैमिली रिलेशन्स हैं उनके साथ आपकी सोच तो बड़ी उम्दा नज़र आती है आपका तो सेक्रीफाइसिंग बिहेवियर बड़ा खूबसूरत नज़र आता है कि आप उनकी हर छोटी से छोटी ज़रूरत का भी ख्याल रख रहे हैं एहसास कर रहे हैं आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनकी चीज़ों को पूरा करने के लिए लेकिन अगर आपको उनकी तरफ से उतना ही सिला उतना ही इन रिटर्न ना मिले खामोशी इख्तियार कर लेना ज़्यादा मुनासिब है क्योंकि बहस नाराज़गी का इजहार इवन शिकायत का सिलसिला करना आपके लिए भी प्रॉब्लम आर एक होगा और खानगी माहौल की, की खूबसूरती को भी खराबी का सामना करना पड़ेगा तो कोशिश करें कि आप सिर्फ चीज़ों को सेक्रीफाइस करते चले जाएँ उसका इन रिटर्न मिलने का जो मामला है वह आपका इन शाला अगले हफ्ते से शुरू होगा इसके साथ साथ वालदा की सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात करने की जरूरत है घरेलू तजी और आयश या फिर घर की शिफ्टिंग या तमीरियाँ कोई भी ऐसा काम करना जो सवारी की सेल परचेज से हो कतई तौर तो के ऊपर इस हफ्ते में आपके लिए अच्छा नहीं है चीज़ों को रोक लेना ज़्यादा मुनासिब है और इसके साथ साथ जिस फर्ट से मोहब्बत करते हैं इजहार मोहब्बत और रोमानवी जिंदगी में दरपेश मुश्किलात का खात्मा इस हफ़्ते का सबसे खूबसूरत चीज़ होगी जिससे मोहब्बत करते हैं इजहार मोहब्बत करना शादी का पैगाम भिजवाना दिल की बात कहना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है क्योंकि दूसरे फरीक से आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा इसके साथ साथ अगर आपकी ऑलरेडी रोमानवी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो कोशिश करने से अख्लाफा का खात्मा होता हुआ नज़र आता है और इसके साथ साथ आपकी अज्दवाजी ज़िंदगी इसमें भी खूबसूरती शामिल हाल रहेगी अज्वाजी ज़िंदगी में ना सिर्फ खूबसूरती शामिल हाल रहती हुई नज़र आती है बल्कि जो स्पेशली वीकेंड का दिन है हफ्ते और इतवार का दिन ये दो दिन ऐसे हैं कि जिसमें अजदवाजी ज़िंदगी में अपने शरिक हयात की सोच या शरीक हयात की मर्जी के मुताबिक चीज़ों को अगर अंजाम दें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा क्योंकि पहले पाँच दिन चीज़ें आपके मिजाज को आपकी सोच के अकॉर्डिंग चलती रही तो उसके साथ साथ आखिरी जो दो दिन हैं वो अगर शर्क हयात की सोच या मिजाज के अकॉर्डिंग चलेंगी तो ज़्यादा मुनासिब और बेहतर रहेगा और कतई तौर तो पर कुछ इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको अजदवा जिंदगी में भी फेस नहीं करनी पड़ेंगी पार्टनरशिप के लिहाज से जितने भी मामला हैं इनको थोड़ा सा रोक लेना ज्यादा मुनासिब है क्योंकि पार्टनरशिप के लिहाज से मामला को स्टिल still... चलाते रहना और ने किसी न किसी तौर के ऊपर मामलात को अंजाम देना इतना पॉजिटिव नहीं है इस पूरे हफ्ते में चीज़ों को रोक लेना आपके लिए ज्यादा खुश वक्त रहेगा और अगले हफ्ते से दोबारा से जारी करना या चीज़ों को शेयर करना डिस्कस करना या ने किसी न किसी तौर के ऊपर मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश करना आपके लिए ज्यादा खूबसूरत होगा इसके साथ साथ ये पूरा वीक आपकी सेहत याबी के लिहाज से बहुत ज्यादा पॉजिटिव है सेहत याबी के लिहाज से बहुत पॉजिटिव है लेकिन एक चीज आप लोगों ने जहन नशीन रखनी है कि अगर काम की रूटीन आपकी किसी न किसी दौर पर अभी भी चल रही है तो आपके ऐसे लोग जो कि आपके साथ मिल काम कर रहे हैं उनके साथ बहस मत करें क्योंकि बहस सिवाय तवल या लड़ाई के आपको कुछ हासिल नहीं दिलाएगी इसके साथ साथ ये पूरा ही वीक आप लोगों के लिए ऐसे मामला जो कि विरासती नोयीत के हों विरासती प्रॉब्लम को समिटने के लिए कोशिश करना चाहते हैं तो इज्जत फकरार और रुतबे की बहाली नजर आती है और विरासती प्रॉब्लम का सुलझ जाना आपके लिए जहनी खुशबख़ती का इन शाला सबरा साबित होगा इसके साथ साथ ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों के लिए ऐसे मामला जो कि फलाही तौर पर हों ऐसे मामला जो कि रूहानियत या मजहबी तौर के पर हों उनमें भी शमूलियत नजर आती है और आपके ऐसी ख्वाहिशात जो कि किसी वज़ाइफ रियाजत या चिल्लाकशी के लिहाज से हो उसमें भी कोशिश करने से आपको ने किसी न किसी तौर के ऊपर इंशाल्लाह आसानी या कामयाबी नसीब रहती हुई नज़र आएगी फ़लाही कामों में दिलचस्पियाँ बढ़ने से आपके हल्का एबाब में भी वसत नज़र आती है इज्जत वकार रुतबे में भी आपके इजाफा मुमकिन में से हो सकेगा और आपके हल्का अहबाब में ग्रोथ नज़र आती है कि हल्का अहबाब में कुछ ऐसे लोग शामिल हाल होंगे जो कि शायद अब से पहले आपके हल अहबाब में ना हो और उनकी तरफ से आपको काफ़ी हद तक इन शाला अच्छे एडवाइसेस भी मुमकिन में से मिलेंगी इस पूरे हफ़्ते का जो बेसिकली आप लोग अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा हफ़्ते वाले दिन हंसबे तो फिर किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का एकवेरियंस बर्जतल एकवेरियंस के हाम जो लोग हैं बेसिकली ये बुरा हफ्ता जो हम लोग देखें तो आपका सबसे सबसेमदगी का मिजाज नज़र आता है कि दूसरों की मदद करने का जज्बा जिस माहौल में आप रह रहे हैं जिस माशरे में आप रह रहे हैं जिस घर में रह रहे हैं किसने किसी ना किसी तौर के ऊपर अपनी जात से मामला को बेहतर करना हालात को बेहतर करना सबसे मेन चीज़ फलाही कामों में अपनी दिलचस्पी को बहाल बरकरार रखना फलाही कामों के साथ साथ मजहब रूहानियत से जुड़ी हुई चीज़ों में भी अपने मशागल को उजागर रखना तो मेन चीज़ आपका ये पूरा ही हफ्ता बेसिकली दूसरों की फलाह व बहबूद के लिए काम करना दूसरों की मदद करने का जज्बा अपनी ज्या से दूसरों को भरपूर फ़ायदा पहुँचाना और अमली तौर के पर दूसरों की खदमत करने का जज्बा लिए हुए आप ये पूरा हफ्ता इन शुजारेंगे सिर्फ जरूरत इस अमर की है कि इस पूरे वीक में आप लोगों ने जिस चीज़ को थोड़ा सा मदनज़र रखना है वह है आपके सोचने का अमल वो है बेसिकली आप लोगों की डिसीजन मेकिंग वो है आपका दूसरों को जज करने का बेसिकली विजन क्योंकि आप लोगों की डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी कमजोर है थोड़ा सा चीजों को आप लोग ज्यादा सेंसिटिविटी के साथ सोचते हुए नजर आता है तो चीज़ों को थोड़ा सा रिलैक्स मोड में रखें बहुत ज़्यादा अपने ऊपर या सवार मत करें अदरवाइज़ आपको डिप्रेशन की कैफियत में भी जाना पड़ सकता है तो कोशिश करें चीज़ों को आप लोग पॉजिटिव रखें ज़्यादा मुनासिब रखें चीज़ों को मिसबत रखेंगे पॉजिटिव रखेंगे तो कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लिए रहती हुई तो नजर नहीं आती सिर्फ आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि आप अपने साथ कोई एक ऐसा मुखलिस फ़र्द रखें चाहे वो आपका दोस्त हो फैमिली मैंबर हो कोई भी फ़र्द हो सकता है कोई भी एक मुखलस फ़र्द अपने साथ रखें जिसके साथ आप जब भी थोड़ा सा मॉरली तौर के ऊपर आप लो फील करें जब भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो हो तो आप फौरी तौर के ऊपर फोन कॉल पे मैसेजेस पे या मिल के आप लोग उसके चीज़ों को शेयर करके अपने आप को दोबारा से मोटिवेट कर लें तो मेनली ये पूरा वीक आप जो दूसरों के लिए खिदमत कर जज्बा लिए हुए गुजार रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहें तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा खुशबक रहेंगी आमदनी के लिहाज से चीज़ें कुछ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमारे एक नहीं है हाँ दिन आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे वो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर आपकी ज़िंदगी से यहाँ तो निकल जाएंगे या जिन हाँ के बारे में आपको इल्म नहीं था वो मंजर वो वो के ऊपर आ जाएंगे जिसके बारे में आप लोग बड़ा एहतियात और मोहतात के साथ ये वीक गुजारेंगे जब जाहरी तौर पर आपको अपने हाँ का इल्म होगा इसके साथ साथ ही पूरा ही हफ्ता आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इम्प्रूव रखने का है खुद ख़ुदमादी को बेहतर रखने का है अजीज़ोकारे बिशार बहन भाइयों के साथ आपके जितने भी क्लासेस चल रहे थे कोशिश करने से वो खात्मे की सुधर अख्तियार करते हुए नज़र आते हैं और उनके मुबैन आपकी इज़्ज़त वकार और रतबे में इनशाला इजाफा नज़र आएगा इवन अगर आपको किसी तजदीद के लिए सफ़र भी करना पड़ रहा है तो सफ़र भी आपके तजदीद मरासम के लिए काफ़ी हद तक इनशाला खुश नज़र आता है इसके अलावा खानगी माहौल में खुशबियाँ आपके लिए काफ़ी हद तक मजबूत हैं कि फैमिली मेबर के साथ आपका कम्युनिकेशन लेवल बहाल होगा फैमिली मेम्बर के साथ आपकी मोहब्बत का लेवल बहाल होता हुआ नज़र आता है आपकी क्लाशस का खात्मा है रवाबत के बढ़ने के मामला हैं तालुक की खुशबियाँ हैं इवन आपको अगर वालदे की तरफ़ से कुछ किसी न किसी तौर तो पर कम्युनिकेशन गैप या प्रॉब्लम चल रही थी उनका खात्मा नजर आता है तो खानगी माहौल बेसिकली आप लोगों के लिए पूरे ही हफ्ते में खुशबीती का गहवारा रहेगा जिसकी वजह से आप चाहे घरेलू तजी और राइश करने के बारे में सोच रहे हैं चाहे है घर की शिफ्टिंग के बारे में सोच रहे हैं या फिर इवन अपनी सवारी को तब्दील करने के बारे में भी सोच रहे हैं तो इन तमाम तर चीज़ों के बारे में हतमी फैसले आप लोग इस हफ़े में लेते हुए नज़र आएंगे तो मामला ज़िंदगी आपके लिए काफ़ी हद तक इन शुद पुख्त हो जाएगी और फैमिली मेम्बर के साथ आप बहुत अच्छा खूबसूरत वक्त गुजारते हुए नज़र आते हैं

खामोशी इख्तियार कर लेना और दरगुजर कर देना आपके लिए ज़्यादा मुनासब है क्योंकि वैसे भी आप काफ़ी हद तक गिविंग नेचर में नज़र आते हैं दूसरों को अपनी ज़ात से ब्लस करते हुए नजर आते हैं तो यही सोच आपने रोमानवी जिंदगी में भी रखनी है लेकिन अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद के हवाले से मामला को अभी से संभाल लेना अशद जरूरी रहेगा अगर औलाद के हवाले से चीज़ें आप अभी से नहीं संभाल रहे चाहे वो उनके मशागल हो चाहे वो उनके रोज़ोशब हों या उनके सोच में थोड़े से मनफी रुझाना हों अगर वो चीजें नहीं आपसे संभल रही तो अगले आने वाले हफ्ते में मजीद प्रॉब्लम आरिक हो सकती हैं तो कोशिश करें अभी से चीजों को कंट्रोल कर लेना ज्यादा मुनासब रहेगा फिज़िकल हेल्थ आप लोगों की काफ़ी हद हाँ तक इंशाल्लाह मुनासिब नज़र आती है कुछ खास इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फ़िज़िकल हेल्थ में इंशाल्लाह नहीं होंगी इसके साथ तो साथ इस दवाजी रवाबत देखे जाए तो इस ज़िंदगी में काफ़ी हद हाँ तक इज़्ज़त और रवाबत की बहाली नज़र आती है शरीक हयात जो है वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करता हुआ नज़र आता है शर्क हयात आपके लिए मोटिवेशन का सबब बन सकता है शरीक हयात आपके लिए रिस्पेक्ट और इज़्ज़त का सबब बनता हुआ नजर आता है तो इस ज़िंदगी में खुशहाली नजर आती है और यही सूरत हाल आपके शराखती कामों में भी है कि आपका जो शरीककार है अगर आप उसके साथ भी चीजों को शेयर कर रहे हैं उसके साथ भी डिस्कशन कर रहे हैं तो वो शख्स भी आपको कॉन्फिडेंस लेवल की तरफ लेकर जाएगा आपको मोटिवेशन की तरफ लेके जाएगा तो शरीककार और शरीके हाथ दोनों ही आपके लिए काफी हद तक इन शबत नजर आते हैं विरासती प्रॉब्लम का सुलझाना आपके लिए काफी हद तक नेक साबित हो सकता है कि विरासती प्रॉब्लम बड़ी खुशी के साथ सुलझते हुए नजर आएंगे और काफ़ी हद हाँ तक खुशबी के साथ सुलझ जाएंगे जो कि जहनी तफ़करात का खात्मा होगा और विरासी प्रॉब्लम्स का खात्मा कोशिश करने से हफ्ते में इन शाला आपको हो सकता है इसके साथ साथ ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों के लिए मज़हब रूहानिय और फलाही कामों में दिलचस्पी जो बढ़ चुकी है उससे फैमिली मेंबर्स को भी किसी ना किसी तौर पे आप लोग फैजियाब करते हुए नजर आएंगे या अपने घर में कुछ ऐसा माहौल आप क्रिएट करेंगे जो कि बहुत ज्यादा रूहानियत की तरफ माइल नजर आएगा तो एक रूहानी खुशबी आपके फैमिली मेबर्स आपकी जदात और आपके घर पर नजर आती है इसके साथ साथ ये पूरा ही हफ़्ता आपके इज्जत वकार रुतबे की बहाली और इसके साथ साथ सोशल लिंक्स की तरफ आपका बहुत ज्यादा झुकाव और रुझान सोशल लिंक्स फ्रेंड्स का सर्कल ख्वाहिशात को पूरा करना और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने दोस्तों के साथ स्पेंड आउट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मुमकिन में से कुछ ऐसा प्लान आउट भी बना सकते हैं जो कि दोस्तों के साथ किसी आउटिंग के सिलसिले में हो इस पूरे हफ्ते में बेसिकली आप लोग जो अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा हफ्ते वाले दिन हंसब तो फिर कि किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ के पाइसिस बुढ़ात स्पाइसिस वालों का बेसिकली जो पूरा हफ्ता है इस पूरे हफ्ते में सिर्फ ज़रूरत इस समर की है कि आप लोगों ने अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है कॉन्फिडेंट रखना है वहम वसवसों से बाहर आना है मनफी सोच और मनफी रुझाना से बाहर आना है आपने आपको जहाँ पर आप कॉन्फिडेंस लग रहे हैं वहीं पर आप कोशिश करें कि आपका पॉइंट ऑफ एक्सप्रेशन बहुत क्लियर रहे आपके दिल की बात दूसरों तक लाजमी जाए चाहे वो आपके फैमिली मैंबर हैं चाहे दोस्त हैं चाहे वो फर्ट जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं शर्क हयात हो शर्क कार हो आपके सोशल लिंक्स हों फ्रेंड्स का सर्कल हो या फिर आपके साथ मिलकर काम करने वाले लोग हैं जिसके बारे में जो ख्याल है जो सोच है जो कहना चाहते हैं वो कह दीजिए उसको रोकना आपके लिए इतना मुनासिब नहीं है अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिलाने की ज़रूरत है क्योंकि जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तब तक चीज़ें आपके लिए उतनी मुनासिब नहीं होंगी आपके लिए चीज़ें तब तक उतनी मुनासिब नहीं होंगी जितना बेसिकली आप लोग चाह रहे हैं कोशिश करें कि आप दूसरों के साथ अगर मिल के काम करना चाहते हैं दूसरों के साथ अगर आप वक्त गुजारना चाहते हैं दूसरों के साथ अगर आप अपने दिल का हाल शेयर करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि दूसरे आपको किसी न किसी तौर के ऊपर वक्त दें आपको अहमियत दें आपकी बात को प्रेफरेंस दें तो उसका इजहार बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि जब तक आप इजहार नहीं करेंगे चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव नहीं होंगी तो सबसे मेन चीज़ आप लोगों ने इस वीक में जो फोकस रखना है वो है इजहार इजहार मोहब्बत इजहार अल्फाज इजहार अदायगी इजहार तावन हर तरह का इजहार आप लोगों के लिए करना बहुत ज्यादा मुनासिब है क्योंकि आप एक्सप्रेस करेंगे तो दूसरों के साथ आपको डेफिनेटली तौर के ऊपर आपके बहुत अच्छे मावनत नसीब होगी दोस्त अब आपके साथ बहुत अच्छे रबता रखे हुए नजर आते हैं फैमिली मेम्बर आपके साथ बहुत अच्छी ख्वाहिशात बरकरार रखे हुए नजर आते हैं आपके लिए नेक ख्वाहिहशात का इजहार भी करते हुए नजर आते हैं और आपके साथ अमली तौर के ऊपर मावनत भी करते हुए नजर आते हैं अजीजों का बहन भाई चाहे छोटे हों या बड़े आपके साथ अपने रुझान को बड़ा खूबसूरत रखे हुए नज़र आते हैं सिर्फ ज़रूरत इस समर की है कि आप उनसे इजहार करें और वो फौरी तौर पर आपके लिए हर काम करने को तैयार हो जाएंगे कुछ ख़ास प्रॉब्लम्स आपको नहीं फेस करनी पड़ेंगी फिनेंशियल मेरिट्स को देखा जाए तो आमदनी के लिहाज से कुछ इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हैं थोड़ा सा शहाना मिजाजी को कंट्रोल करने की कोशिश करें अदरवाइज फाइनेंशियल मैरिट में कुछ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है और इसके साथ साथ खानगी माहौल में खुशबख्तियाँ भी नज़र आती हैं सिर्फ आप ये कोशिश रखें कि अगर आपको कुछ ऐसा सोच या ऐसी मिजाज नज़र आती है जो कि आपके बेसिकली थोड़ा सा मिजाज के बरखिलाफ है फैमिली मेम्बर से सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेम्बर से ही तो आपने उनके साथ बहस तकरार या बिलावज का गुस्सा नहीं करना क्योंकि गुस्सा आपको कुछ हासिल वसूल नहीं दिलाएगा और ख़ानगी माहौल में बिलावज की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं तो थोड़ा सा अपने मिजाज में तहमल मिजाजी को आप लोग बरकरार रखें थोड़ा सा अपने मिजाज में आप लोग मुस्तकिल मिजाजी को बहाल रखेंगे जो चीज आप सोच रहे हैं उसी के ऊपर आप कायम रहें बार बार अपने मिजाज सोच और अपने मूड को स्विंगज्स मत होने दें चीज़ों को एक जगह के ऊपर रखें तो आपके लिए ज़्यादा मुनासिब और बेहतर रहेगा और इसके साथ साथ आपके जो मामला मोहब्बत हैं ये बुरे हफ्ते में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है आपकी कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी खदशा है कोई भी वहम है कोई वसुदा है कोई डिप्रेशन है कोई सोच है आप लोग जिस पर्यट से मोहब्बत कर रहे हैं उसके साथ अपनी चीज़ों को शेयर करें आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और बड़ा अच्छा मोटिवेशन लेवल मिलेगा अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो अपनी औलाद को बैठा के अपने खदशात का इजहार करें आपको बहुत अच्छी स्पिरिट मिलेगी और आप एकदम से अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे सेहत जस्मानी आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव है कुछ खास इतनी ज़्यादा सेहत जिसमानी के हवाले से आपको प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आती बल्कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग जो कि आपकी पीठ पीछे बुराइयाँ कर रहे थे जो आपसे हसद कर रहे थे या तो वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे या फिर वो मंजर आम के ऊपर आ जाएंगे और आप उनके बारे में बेहतर तौर पर हदबंदी कर सकेंगे इसके साथ साथ ये बुरा हफ्ता इस दवाई ज़िंदगी के लिए काफ़ी हद खुशगवार नज़र आता है कि शरीक हयात हो या कार हो दोनों ही लोग आपके लिए काफ़ी अच्छी सोच रखे हुए नज़र आते हैं और आपको जब और जैसे ही उनकी ज़रूरत होगी फौरी तौर के ऊपर वो आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और आपको अमली तौर के ऊपर उस खिदमत का सबूत भी देंगे और इसके साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस भी दिलाएँगे वरासती मामला को देखा जाए तो वरासती मामला में हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं तो अगर विरासती प्रॉब्लम्स आप लोग सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो हास्दीन की पहले हदबंदी करें और इसके बाद इस हफ़्ते में विरासती मैरिट्स को डिस्कस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इसके साथ साथ ये पूरा ही हफ़्ता मज़हब रूहानियत फलाही कामों में दिलचस्पियाँ तो आपकी ग्रो करेंगी लेकिन सोशल लिंक्स में आप लोग को कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो आपसे थोड़ा सा हसत रखते हैं उनकी तरफ से आपको महतात हद दर्ज रहने की ज़रूरत है अदरवाइज़ सोशल लिंक्स में या फ्रेंड्स के सर्कल में इस तरह के लोगों का मौजूद होना आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हरिक हो सकता है इसके साथ साथ वकार रुतबे में तो इजाफा और बहाली नजर आती है इवन आपको कुछ ऐसे लोगों से भी मेल मुलाकात रह सकता है जो कि आपके रुके हुए कामों में बेहतरी के इसबा मुहैया करें या फिर आपके जहनी तौर पर डिप्रेशन जो है उसमें कमी के इसबाब या आपको बेहतर एडवाइस दे सकें इस पूरे हफ्ते का जो बेसिकली आप लोग अपना सदका देंगे वो सदका लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन हंसबे तफिक किसी भी लाल रंग की चीज़ का मुझे उम्मीद है कि मेरे इस पूरे वीकली प्रोग्राम से आप लोगों ने अपने जहाँ पे इस पूरे हफ़्ते को बड़ी ख़ूबसूरती के साथ प्लान आउट ऑलरेडी कर लिया होगा वहीं पे इस पूरे हफ़्ते को बड़ी ख़ूबसूरती के साथ आप लोग गुजारेंगे भी और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला रमज़ान की इस बबरकत घड़ियों में और उसके बाद ईद की खुशियों में आपको आपके सभी फ़ैमिली मेम्बर्स को आपके दोस्त बाब आपके अजीज़ वारेब रिश्तेदार और आपके हर जानने वाले को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और आप लोगों की ज़िंदगी में ईद के ख़ुशी जैसे त्यौहार मज़ीद शामिल करे और आप लोगों को सेहत वाली जिंदगी के साथ अपनी इन नेमतों को इंजॉय करने की भी तफ़ीकता फरमाए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और एक दफ़ा फिर से मेरी जानब से मेरी पूरी टीम की जानब से आप लोगों को ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हो अपना ख्याल रखेगा इन लोगों से दोबारा बशर्द जिंदगी मुलाकात होगी अल्लाह हाफ